कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो देशाख। नई राह है तुम्हारी, सो कहो हमें विदभाख, सो कहो हमें विदभाख। श्री जी का जवाब, कही व्यास हरवंश में। प्रणाम जी। हरिद्वार के शास्त्रार्थ में अब श्री जी उन सब आचार्यों को उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर देने में सबसे पहले वो अपनी पहचान करा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, अथवा मेरे अंदर शक्ति है वो कौन सी शक्ति है। और यहाँ पे व्यास जी हरिवंश पुराण में हरिवंश पुराण 18 पुराणों में से एक है। यदि हम थोड़ा पीछे जाए तो महाभारत को याद करें। महाभारत के युद्ध के पश्चात 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया, उसके बाद वो चले गए हिमालय, जो उनका सुभद्रा का जो बेटा था परीक्षित, उसको राजगद्दी पे बिठाया, और परीक्षित को जब राजगद्दी पे बिठा करके वो चले गए। फिर उनके जो पुत्र थे जन्मेजय जी तो उनको व्यास जी सुना रहे हैं कि व्यास जी ने जन्मेजय जी को ये कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई? जो श्री जी वहाँ हरिद्वार के मेले में, अर्थात पांडव कब लगभग 5000 वर्ष हो गए, और अभी हम हरिद्वार का जो शास्त्रार्थ हुआ 400 वर्ष हो गए। तो ये पहली बात महाभारत के बाद की बात है। और जो वेद व्यास जी ने हरिवंश पुराण में जो ब्रह्म मुनियों की आने की बात लिखी है, वो श्री जी अब साक्षी के रूप में उन सब आचार्यों को कह रहे हैं कि देखो संत विचार। सामने जो संत महात्मा लोग थे उनको कहा कि वेद व्यास जी ने हरिवंश पुराण में जो बात लिखी है वो लिखने से पहले राजा जन्मेजय जी को सुनाई थी, और उस समय कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। कहते हैं कि जब परीक्षित को राजा बनाया, उनके राज्याभिषेक किया, उनके सिर में जब मुकुट रखा, तो उसी समय कलयुग का प्रवेश हुआ, और मतलब हमने कलयुग में कदम रखा। अर्थात जो महाभारत का युद्ध था और जो 36 वर्ष तक जो पांडवों ने राज किया वो द्वापर का अंतिम था, तो अभी हम कलयुग में प्रवेश कर रहे हैं। और उन्होंने साक्षी लिखवा दी, अर्थात उनको कहा कि मैं आपको एक ऐसी कोई घटना बताने जा रहा हूँ, ऐसी कोई कथा सुनाता हूँ। तो कह रहे हैं, जन्मेजय राजा प्रते सुनो विरुद्ध तजसार। वेदव्यास जी ने जन्मेजय जी को जो सुनाया वो मैं आप सब आचार्यों को सुना रहा हूँ, श्री जी कह रहे हैं। और सुनो विरोध तज सार, आपके मन में ये यदि विरोध है कि भाई हमको इन्होंने हरा दिया है और मैं भी इनको हराना चाहते हैं, मतलब हम भी इनको पूछ पूछ के इतना परेशान कर देंगे कि ये भी हार जाएं, तो वो आपके मन में ऐसा विरोध है तो आप विरोध को छोड़ दीजिए, और जो मैं आपको सुना रहा हूँ उसको आप सार रूप में उसको ग्रहण कीजिए। कही अनहोनी व्यास नृप सो, नृप सुन पुछत सोए। व्यास जी ने जन्मेजय राजा जी को कहा कि एक अनहोनी घटना, अनहोनी घटना हम किसको कहेंगे, जो कभी हमारे सामने या प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी हमारे सामने जो घटना नहीं होती है, ऐसी कोई विशेष घटना होने वाली होती है तो उसको हम कहते अनहोनी। तो अब राजा अब दोबारा व्यास जी को पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि वो कौन सी अनहोनी घटना होने वाली है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्म रूप मुनि प्रकट हैं दुर्घट सब थे जोए।
कि ब्रह्म मुनि 28वें कलयुग में प्रकट होंगे, दुर्घट सब थे जोय। अब तक ये सबके ऋषि मुनियों की समाधि से, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी दूर थे, इनकी पहुंच से भी बहुत दूर थे। ये जो घटना घट रही है विशेष है, बहुत कभी ना होने वाली घटना है, उसको ऐसा कहते हैं कि ना भूतो ना भविष्यति। भूतकाल में ऐसी कोई घटना सतयुग में, त्रेतायुग में, द्वापर युग में ऐसी कोई हुई भी नहीं है, और कलयुग में और भविष्य में कभी भी ऐसी घटना होगी भी नहीं। बस ये एक ही बार है। यदि हम परम धाम का इतिहास पढ़े या उनके बारे में जाने, तो सखियों ने कभी भी ये खेल देखने की इच्छा नहीं की थी। नृप तब पूछि व्यास सो सनका दिखते सोए, तुम लो ऋषि बहुत प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम न होए। व्यास जी ने कहा ना कि ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे अनहोरनी घटना के रूप में, तो अब जन्मेजय जी राजा है, व्यास जी को उल्टा पूछ रहे हैं कि इस सृष्टि में सबसे पहले ऋषि के रूप में कौन है, ब्रह्मा जी के चार पुत्र। बोले तब से लेकर के वो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कितने लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, इतने ऋषि मुनि हो गए, तुम भी ऋषि हो, वो भी ऋषि थे, कई लोग हिमालय में समाधि लगा करके बैठे हैं, क्या तुम लोग ऋषि नहीं हो, तुम लोग ब्रह्म मुनि नहीं हो, क्या तुम ब्रह्म रूप नहीं हो, उनको पूछा। क्योंकि जब ब्रह्म मुनि अब प्रकट होने वाले हैं तो तुम जो पहले प्रकट हो गए तुम कौन हो, तो ये उनको प्रश्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तब व्यासे नृपसो कही वे भई नहीं कोई काल। तब व्यास जी ने राजा जी को कहा कि हे राजा जी, वो कभी नहीं किसी भी काल में, अभी जो हम जिस 28वें कलयुग में बैठे हैं वो सातवां मन्वंतर है। सातवां मन्वंतर को हम ऐसे समझे कि सृष्टि बनी है, वो 14 मन्वंतर तक चलेगी। कितने मन्वंतर? 14 मन्वंतर। और ऐसे ही पहला मन्वंतर बीत गया, कितने राजा महाराजा ऋषि मुनि कोई मतलब ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी सब हो गए। दूसरा बीत गया, उसमें भी वैसा ही रहा। तीसरा बीत गया, चौथा, पांचवा, छठा बीत गया। अब बोले ये सृष्टि के प्रारंभ में नहीं आएंगे, और वो पहले मन्वंतर के कलयुग में भी नहीं आएंगे। ये कोई जो कलयुग है कोई पहला कलयुग नहीं है। पहले मन्वंतर के कितने कलयुग बीत गए, दूसरे मन्वंतर के कितने कलयुग बीत गए, ऐसे हर मन्वंतर में कई कलयुग हैं, और ये सातवां मन्वंतर का भी कौन सा कलयुग है, ये 28वां। अर्थात इस सातवें मन्वंतर में भी 27 कलयुग, 27 द्वापर युग, 27 त्रेता, 27 बार सतयुग, यानी इतने युग बीते, इन युगों में कितने ऋषि मुनि, कितने लोगों ने समाधि ध्यान तपस्या लगाई, कितने लोग हिमालय में कहाँ कहाँ किया, नहीं हुआ। ये 28वें कलयुग में ये विशेष घटना ये घटने वाली, तो उनको कह रहे हैं कि ये कभी नहीं आए, और अभी ये सातवें मन्वंतर के 28वें कलयुग में आए हैं, और भी 8वें से लेकर के 14वें मन्वंतर में से हजारों कलयुग आएंगे, उसमें भी नहीं आएंगे, ये उनको सुना रहे हैं। हूँ है प्रकट कलयुग में प्रकट आए के हाल, हुए नहीं है होंगे, क्योंकि अभी तो महाभारत के तुरंत बात कर रहे हैं, और हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अभी 1735 की बात कर रहे हैं, और तब तो कलयुग की शुरुआत थी, मतलब लगभग 4500 वर्ष पहले श्री जी जब थे तब, हमारे सामने कितने हो जाएंगे, लगभग 5000 वर्ष पहले होंगे। अब कौन है वो, कैसे होंगे, उनकी थोड़ी रूपरेखा बता रहे हैं, उनका स्वरूप बता रहे हैं कि कैसे होंगे, पहचान में हमें आएंगे नहीं। तो कह रहे उत्तम पुरुष बिना और को देवी देवना ध्याए, यदि वो प्रकट हुए हम जैसे संसार में रहेंगे, उत्तम पुरुष बिना और किसी भी देवी देवता पेड़ पत्थर मूर्ति या मजार या कुछ भी फोटो चित्र कुछ किसी को ध्यान नहीं करें, केवल एक परमात्मा का ही ध्यान करेंगे, उसी के ध्यान में लीन रहेंगे, उसके अलावा किसी को भी नहीं मानेंगे। अखत कथा नवतन कहे, ये कथा ऐसी है, अकथ क
कभी किसी को किसी ने किसी भी काल में नहीं कही थी, वो कथा व्यास जी करके मैंने तुमको कह रही है। और दूसरी बात अखत, मतलब जो परम धाम का ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश तक में किसी ने भी कुछ नहीं कहा था, एक शब्द भी नहीं कहा, वो अखत ज्ञान वो ब्रह्म मुनि रूप आएंगे वो यहाँ पर कहेंगे। जग सुने पूजेताए, जब इनके अखत ज्ञान को विशेष ज्ञान को परम धाम के ज्ञान को सुनेंगे, पूरी दुनिया सुनेगी, तब क्या करेंगे, पूरी दुनिया इन ब्रह्म मुनियों की पूजा करेगी। क्या करेगी, ब्रह्म मुनियों की पूजा करेगी। ए व्यासे नृपसो कही बहुत विध विस्तार, लालदास जी यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार बहुत बड़ी कहानी, लंबी कहानी विस्तार पूर्वक व्यास जी ने राजा जी को सुनाई, पर बहुत विस्तार है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा एक सार रूप में कहा है। तिनकी साख जो देते हो देखो संत विचार, श्री जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार जन्मेजय जी को बहुत सारा वेद व्यास जी ने सुनाया, लेकिन मैंने आपको सार रूप में सुना रहा हूँ, उसमें से दो श्लोक इसमें दिए हुए हरिवंश पुराण के। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणः, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणः, अभाविनो जो कभी हुए नहीं है, भविष्यन्ति वो हैं होंगे, कौन, मुनयः ब्रह्म रूपिणः, वो ब्रह्म के समान अपने आप को स्वरूप वाले, ब्रह्म के स्वरूप वाले ब्रह्म मुनि यहाँ पर प्रकट होंगे। क्या करेंगे, उत्पन्नाये कलवयुगे प्रधान पुरुषाश्रयाः, कब प्रकट होंगे, उत्पन्नाये कलवयुगे, वो कब प्रकट होंगे, कलयुग में प्रकट होंगे, और प्रधान पुरुषाश्रयाः, वो किसी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि किसी का आश्रय नहीं लेंगे, केवल एक परमात्मा का ही आश्रय वो लेंगे, उसी को मानेंगे, उसी की ही कथा कहेंगे, और किसी की कथा न सुनेंगे न सुनाएंगे, सिर्फ उनका ही ज्ञान देंगे। अब कह रहे कि वो होंगे तो और क्या होगा, कथा योगे न तान सर्वान पूजयिष्यन्ति मानवाहा, जो कथा प्रवचन चर्चा कुछ भी होगा वो पूरी दुनिया को सुनाएंगे, तो उसके द्वारा पूजयिष्यन्ति मानवाहा, और जो जीव सृष्टि है वो भी उनकी पूजा करेगी, उन ब्रह्म सृष्टि की पूजा करेगी, और उसके प्रभाव से होगा क्या, उनकी जीव सृष्टि यदि एक ब्रह्म सृष्टि की सेवा करती है तो क्या होगा उसको, यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्धरः, यदि एक ब्रह्म मुनि की चरण धूलि को भी अपने सिर पे लगा ले तो उस जीव सृष्टि का समुद्धरः उद्धार हो जाएगा। जो कभी मुक्ति इनको स्वर्ग की वैकुंठ की मुक्ति मिलती थी, अब वो मुक्ति नहीं रहेगी, ये कौन सी मुक्ति रहेगी, ये अखंड परम धाम की योग माया में जो अखंड मुक्ति होगी वो मुक्ति होगी। तो ये यहाँ पर दो श्लोक रूप में उन्होंने कहा है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि जिस परमात्मा के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना था, हमने तो सुन रखा है, कई वर्षों से सुन रखा, तो हमें तो वो कोई विशेष नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ पर हरिद्वार के मेले में कितने आचार्य गण के सामने ये बात जब हो रही है, तो ये जितने आचार्य लोग थे वो सब आश्चर्य में थे कि पुराणों को हमने पढ़ा है, हमने भी ये कथा सुनी है, हमने अमरनाथ गुफा वाली कथा सुनी है, लेकिन ये हमें कभी ये गूढ़ रहस्य समझ में आया ही नहीं है। तो ये कह रहे, और अभी वो परमात्मा के बारे में कह रहे कि परमात्मा का स्वरूप इससे पहले कैसे कहां पर था वो वहां बता रहे हैं। या भात वेद उपनिषद में विद विद कही बनाए, और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखाए, वेद में उपनिषद में हर तरफ से, हम कहते हैं ना हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, लाखों मतलब बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में राज जी ने सब जगह लिखवाए हैं जिसको हम पहचान कर सकें, और 18 पुराणों में भी लिखवा दिए, जैसे ये हरिवंश पुराण है, श्रीमद् भागवत एक पुराण है, उसमें भी लिखा है, उसमें अखंड ब्रजराज के रूप में तो लिखाए हैं। जो ग्राहक या वस्त को सो लेवे चित ल्याए, अब उन आचार्यों को कह रहे कि ये आचार्य गणों, जो तुम में से इस
अनमोल निधि को कोई ग्रहण करना चाहते हैं तो कृपया करके आप अपने चित्त को स्थिर करके, अपने मन में दूसरा कोई विचार ना करके आप इसको ग्रहण कीजिए। ताको वेद उपनिषदे हम सब दे समझाएं, हम आपको बिना एवं केवल हवा में बात करें ऐसा नहीं कहेंगे, वेद की मंत्र बताएंगे, उपनिषदों के श्लोक बताएंगे, दर्शनों के सूत्रों के द्वारा बताएंगे, आपको प्रमाण दे दे करके हम साक्षी बताएंगे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्या मानते हैं और हम क्या मानने वाले हैं और हमारा ज्ञान कहां तक का है और हम कौन सी मुक्ति पाते हैं, वो सब एक एक करके बताएंगे। तब सब ने चित में लई ए नहीं कहूं बधाई। अब ये कहें, अब तक वो आचार्य लोग क्या सोच रहे थे कि हम इनको पूछेंगे, तरह तरह से प्रश्न पूछेंगे, बारी बारी से पूछेंगे और हम अपने शब्दों के तर्कों के जाल में इनको उनकी ही बात में फंसा देंगे ताकि वो निरुत्तर हो जाए। लेकिन जब श्री जी ने इनको ये कह दिया, हम वेद उपनिषद दर्शन सबकी साक्षी दे करके, हम आराम से प्रमाण दे करके कह रहे हैं, तब सब आचार्य लोग घबरा गए और कहने लगे, ये नहीं कहूँ बंधा है, ये किसी की बात में आने वाले नहीं है, ये किसी की तर्क में जाल में आने वाले नहीं, ये हमारे समझ से परे हैं, हम इसको अपने उसमें बांध नहीं सकते। तब अब ये सब कुछ इसके शास्त्रों के बारे में कहेंगे, लेकिन हम ये कहें कि उपनिषदों में परमात्मा के बारे में क्या कहा है, वेदों में क्या कहा है, तो भी हमें जानना चाहिए कि वो जिस परमात्मा के बारे में, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति न मनो न विद्मो न विजामिनी मोह, क्या कहते हैं कि न तत्र तत्र वहां पर, वहां कहां, जहां पर परमात्मा का निवास है, चक्षु ने हमारी ये बाह्य दृष्टि नहीं जाती है, न वाक गच्छति जो हमारी वाणी है, शब्द है, वो भी उस परम धाम या योग माया तक भी नहीं जाता, न मना और हमारा मन भी नहीं जाता है। हम सोचे कि स्थूल रूप से वाणी ये नहीं जाती है, लेकिन हमारा मन भी नहीं जानता। और उपनिषद का ये वचन है, उसमें कहा है, न विद्म न विजानी महा, हम पूर्ण रूप से उस परमात्मा को जानते नहीं है और ना कभी जान सकेंगे, क्योंकि सपने की बुद्धि का ज्ञान उनके पास जितना था वो उतना ही है। हम यहाँ तक कहें कि वेदों को भी राज्य के बारे में पूर्ण पहचान नहीं है, तो वेदों को पढ़ने वाले ऋषि मुनियों को उनकी पूरी पहचान कैसी होगी, जो कि वो आदि नारायण का साक्षात्कार करके वो बैठ जाते हैं कि परमात्मा का स्वरूप यही है, उनको यही नहीं पता कि ये आदि नारायण है, उससे परे अक्षर ब्रह्म है, उससे परे कुछ है, ऐसा करके तो वो वहां पर ही रुक जाते हैं। तो इसलिए उपनिषदों में ऐसे कई सारे हमें श्लोक मंत्र मिलेंगे। वैसे उपनिषद 108 उपनिषद हैं और 108 उपनिषद में वर्तमान में 11 उपनिषद है जो मानते हैं, नहीं तो कुछ मतलब थोड़े पौराणिक प्रकार के हैं, तो उन उपनिषदों में परम धाम के बारे में है, वहाँ उसमें लिखा है कि प्रभाजमानम हरिणी इससा संपरिवृताम पूरे हिरण्यम स्वर्गो ज्योतिषावृतम, कहने कि वो जो परम धाम है वो कैसा है, प्रभाज मानम हरणी बोलते हैं सोने की तरह चमकने और चारों तरफ से इस दिव्य अलौकिक शक्ति से, इस प्रकाश से आवृत है और वो स्वर्ग, स्वर्ग बोलते हैं, स्वर बोलते सुख को, बोले एक सुख रूप से पूरा सुख से आनंदित है, अर्थात पूरा परम धाम एक कण कण में सुख है। और भी हम कहते हैं कि आपने देखा होगा कई बार लोग उदाहरण देते हैं कि अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरी योद्धा तस्याम हिरण्य कोश, वहां बोले कि अष्टचक्र नवद्वार, संसार का व्यक्ति पढ़ेगा तो क्या कहेगा कि हमारा जो शरीर है ये नौ द्वार वाला है और इसके अंदर आठ चक्र है, तो जो परमात्मा है वो हमारे हृदय रूप में स्थिर है, ऐसा वो ग्रहण करते हैं। लेकिन वहां ऐसा लिखा त्रिभी गुणे भी आवृतम, आठ चक्रों और नव द्वार वाला जो आपका घर है वो तीन गुणों से आवृत है, वो कैसे किस प्रकार आवृत है, घट जाएगा इस शरीर में भी, घट सत्व रज और तम से ये बना हुआ शरीर और आठ चक्र नव द्वार है, कोई इसमें संशय नहीं है, लेकिन हम इसको परम धाम में घटाएंगे कैसे। आठ चक्र कौन, हम आठ सागर को लेंगे परम धाम में, जो आठ सागर दूध दधि मधु खीर इत्यादि, और नवद्वार
रंग महल नौ भूमिका का है और प्रत्येक भूमिका में एक मुख्य द्वार है। तो ये आठ चक्र मतलब पूरे परम धाम को घेर करके आठ चक्र के रूप में जो आठ सागर आए हैं उसके बीच मध्य में स्थित जो नव भूमिका का जो रंग महल है वो कैसा है, त्रिभी गुणे भी आवृतम, तीन गुणों से आवृत है। परम धाम में तीन गुण कौन से है, सत चित्त और आनंद। सत चित्त आनंद स्वरूप पूरा परम धाम उसी एक कण कण में, प्रत्येक कण कण में वहां पर यही है। तो संसार के लोग पढ़ेंगे तो उनको परम धाम का ज्ञान ना होने से वो यहाँ घटाएंगे, इस शरीर में घटाएंगे। और अब जब हमने ये तारतम का ज्ञान लिया है तो हम ये इसका वेद का गूढ़ रहस्य हमें वहाँ तक ले जाता है। तो ऐसे वेदों में उपनिषदों में ऐसे कई गूढ़ रहस्य हैं, केवल भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बिना तारतम ज्ञान के किसी कोई सा भी गूढ़ रहस्य नहीं खुलेगा। और इसमें मूल वितक में भी श्री जी ने उस समय उनको ऋषियों को जो वहाँ के आचार्यों को ये श्लोक वहाँ दिया था। और एक है उसमें वेद का भी है उपनिषद का है, पुनरिकम नवद्वारम तस्मिन यद यक्षम आत्मन्व तद्व तद्वय ब्रह्म विदो विधि। पुनरिक बोलते हैं कमल को। अब हम परम धाम को देखें तो हम वैसे तो हर प्रत्येक हवेली में प्रत्येक भवन में हमको युगल स्वरूप का दर्शन होंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम कहाँ देखते हैं कि मूल मिलावा में बीचों बीच सहस्र पंखुड़ियों से युक्त कमल का फूल है। तो वहाँ बल पुंडरीकम, तो वे वहाँ का भी वर्णन वेदों में स्पष्ट रूप से कहा, संकेत रूप में कहा, लेकिन लोगों को पता नहीं है इसीलिए हमें वो यहाँ के बारे में समझाते हैं। और दूसरा, जो साहेब की ने देखा नहीं ना कछु सुनिया कान, सो साहेब इत आयसी सबोदय पहचाना। मतलब आज तक जिस परमात्मा के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना था और जानते भी नहीं थे, सुनाएगा कौन? ऋषि मुनि यदि समाधि लगाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की समाधि लगाएंगे, वही प्रकट होंगे, वही लोग कहेंगे भाई हम तुम्हारे तपस्या से प्रकट हुए, मांगते हो क्या मांगो। अब जो ऋषि मुनि उनको जानते, उनके धाम के बारे में जानते हैं, उतना ही मांगेंगे कि हमें कैलाश में, वैकुंठ में, स्वर्ग में, जहां भी हमें जगह दे दो, मुक्ति दे दो, दे देंगे। अब जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी इससे परे की, निराकार से परे की बात नहीं जानते हैं, तो इसलिए कि जो साहेब किन्हें ना देखा, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उनको नहीं देखा। तभी तो जा करके आपने देखा होगा उसमें पुराण संहिता में कहते हैं, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता ना जानिम वयम धातः परम वस्तु सनातनम। पार्वती ने शिव जी को पूछ लिया कि आप इस दुनिया के परमात्मा कहलाते हैं, कृपया करके बता दीजिए, आप ही परमात्मा हैं, आप ध्यान किसका करते हैं? सब सर्वोपरि आप हैं, सर्वशक्तिमान आप हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, आप ध्यान क्यों कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? तब जाकर के उनको ये उत्तर देना पड़ा, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु हूँ, मुझे इतना तो पता है कि मैं शिव हूँ, लेकिन न जानी में वयम धातः ध्यातः, अर्थात हम तीनों मिल करके नहीं जानते हैं उन परम वस्तु जो सनातन वस्तु है किसका ध्यान करते हैं। इतना सा आभास होता है समाधि में कि हम तीनों से परे कोई परम शक्ति है, लेकिन कौन है, कैसी है, उसका हम पता नहीं लगा पा रहे। जब कभी होंगे तो आपको बता देंगे। जब उनको शिव जी को पता लगा, ईश्वर और सदाशिव दोनों मिलकर के बात कर रहे थे, बीच में शिव जी ने समाधि लगा करके जो बात सुनी वो पार्वती जी को अमरनाथ गुफा में जा करके सुनाई कि कैसे कैसे ब्रह्मुनि यहाँ पर आने वाले। तो इस प्रकार इतने सारे प्रमाण, इतनी सारी घटनाएँ हैं। आज तक आपने देखा होगा किसी भी संप्रदाय के बारे में ऐसी कोई भविष्यवाणी कोई नहीं है कि आज से 100 साल के बाद, 200 साल के बाद ये ऋषि प्रकट होंगे और ये नाम का संप्रदाय चलाएंगे, उसमें इतने लोग जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे वहाँ से आएगा, ये ज्ञान होगा, कभी कुछ नहीं है। आपने अब तक जो भी कथाएं सुनी कहीं नहीं है। ये पहला हम सोचे कि ऐसा कभी भविष्य में हो जाएगा, नहीं, स्पष्ट मना कर दिया शास्त्रों में, मना कर दिया, ना भूतों ना भविष्यति, कभी हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं है। ये तो एक कार्य कारण बना कि हमें वहाँ दुख का खेल देखना था तो ये सब करना पड़ा, और हमारे जिद के पीछे राज्य को
हमें वहां पेंडिंग में रख करके कई हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों को समाधि में दे करके, जबकि ऋषि मुनियों की समाधि उस शब्द को ग्रहण करने योग्य नहीं थी, तब वो समाधि अवस्था में लिख दिए और लिखने के बाद उनको खुद नहीं पता कि हमने लिखा क्या है। जब व्यक्ति समाधि की गहराई में डूब जाता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता मैंने क्या लिखा। जैसे हम ये कहें कि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए और यह स्वप्न में कुछ बोल दें, बड़बड़ा दें, तो वो व्यक्ति खुद नहीं कहेगा मैंने सपने में क्या बोला था। आप कह भी दोगे आपने ऐसा बोला था, देखो मैं रिकॉर्डिंग किया, इसे नहीं मानेगा कि ये वो हमने बोला ही नहीं है। तो ऐसे ही ये शास्त्रों में बात पहले कही है, जिसको कहा आवसी धनी धनी ने सब कोहते, आगम करते पुकारा, सो सत बानी सबों को करी, अब आए करो दीदारा। सबसे सारे शास्त्र कह रहे कि वो आएंगे 28वें कलयुग में आएंगे, इन सब की जो आगम वाणी थी अब वो यहाँ पर हरिद्वार के मेले में अब सबको बताने वाले हैं, तब ये कहेंगे कि तुम आओ और इनका दीदार करो। और जो वहाँ ऋषि मुनि थे उनको वहाँ साक्षात, हो सकता है कि उन आचार्यों के कोई पुण्य कर्म रहे होंगे, उसमें ब्रह्म सृष्टि होगी ईश्वर सृष्टि होगी नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन साक्षात उनको श्री जी का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुए, वो माने ना माने, उन्होंने ग्रहण किया ना किया, वो जो भी जाने। तो ये इस प्रकार अभी बहुत सारी साक्षियां हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, तो थोड़ा सा और आगे चलाते हैं इसको। स्वामी विद संप्रदाय कहो साख दे सोए, वो आचार्य सब कह रहे हैं कि तुम अब यहाँ श्री जी को स्वामी ऐसा बोल रहे हैं, जो आचार्य लोग क्या बोल रहे हैं स्वामी ऐसा है स्वामी जी, क्योंकि लगभग हर एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को स्वामी जी बोलते हैं, जो भी सन्यास लेता है उसके नाम के आगे स्वामी जी जुड़ जाता है और नाम के पीछे कोई पूरी भारतीय सरस्वती या कोई ना कोई और विशेषण जुड़ जाता है, तो उनको लगता है कि भाई जैसे हम सन्यासी लोग हैं तो ये भी सन्यासी लोग होंगे, ये इनकी मंडली है और ये उनके प्रमुख हैं, तो ये उनको कह दिया स्वामी। पूरी बीतक में दो बार स्वामी कहेंगे, एक यहाँ एक वो राजा भाव सिंह जी जब कहेंगे ना जाओ आप अपने स्वामी कृष्णदास जी को बुला के लाइए, उनको भी श्री जी की पहचान नहीं थी इसलिए स्वामी कहा, और एक इन संतों को पहचान नहीं है इसलिए उन्होंने सामान्य एक व्यक्ति के रूप में कि एक यही एक कोई सन्यास धर्म का व्यक्ति होगा ऐसे करके है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या, हम कोई कहें कि आप प्रायः देखते हैं कहीं कि अब स्वामी प्राणनाथ जी आदि फरमाते हैं करके शुरुआत करते हैं, जबकि ये शब्द योग्य नहीं है। राज्य के लिए कोई सा भी शब्द शब्दों से वो तो हर शब्दों से परे शब्दातीत है, लेकिन क्या करें प्रगट प्रकाश ना कीजिए पर आपण देखी बाज, लेकिन क्या आप इसको प्रकट रूप में मत कहिए, लेकिन तो क्या कहोगे, फिर भी कुछ कहने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो दुनिया में सबसे विशेष शब्द होगा जो किसी के लिए नहीं प्रयोग होगा ऐसा शब्द प्रयोग हम करेंगे अक्षरातीत। अब अक्षरातीत शब्द हम दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, तीत मतलब क्षर अक्षर, अक्षर से जो परे रहेगा उसी को ही अक्षरातीत कहा जाएगा, वो कोई भी रहे। अब यहाँ अक्षर ब्रह्म से परे केवल एक ही रह सकता है, कौन राज्य, तो उसी को ही कहा जाएगा। जैसे हम कहें परमात्मा, आत्मा हर किसको कह सकते हैं, लेकिन एक सर्वशक्तिमान होने से एक ही को कह सकते हैं परमात्मा, क्यों, क्षर ब्रह्मांड योगमय और परम धाम तीनों का पालन पोषण यही करते हैं, तो ये इन्हीं को ही कह सकते हैं। ईश्वर जिसके अंदर कुछ ऐश्वर्य हो तो ईश्वर हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर, परम ऐश्वर्य किसके पास है, पूरी योग माया का ऐश्वर्य परम धाम का सब कुछ राज्य के पास है, तो इसलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल राज्य के लिए ही हम कह सकते हैं। तो ये दो बार स्वामी शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। ज्यों हम अपनी सबने कही त्यों तुम कहो प्रसन्न होए, जैसे प्रसन्नता पूर्वक हम सब आचार्यों ने मिल करके आपको अपनी अपनी विधि पद्धति बताई है वैसे तुम भी कहो। करके गर्व बोले सब प्रश्न विविध विस्तार, उन आचार्यों ने बड़े गर्व से कहा कि आपने हम सब की बात सुनी, हमने सुनाई और हमने प्रश्न उत्तर में हम चुप भी हो गए, अब आपको आप कहिए, अथवा उनका यह था कि आपको कहना पड़ेगा,
कहिए ऐसा भी था और कहना पड़ेगा ये भी उनका था। शाखा शिखा कहो आपनी, फिर कहो सूत्र विचार, तुम्हारी शाखा क्या है, तुम्हारी शिखा, तुम्हारा सूत्र कौन सा है ये भी कहो। सेवन अपनो निज कहो, गोत्र इष्ट और जाप, अपना गोत्र इष्ट और जाप, साधन मंत्र पूरी देवी शाला क्षेत्र सुख विलास तीर्थ, जो भी आपको लगे, जो जो मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। श्री ने सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम पुरातन हो, तुम बताओ, उन्होंने अपने आप बताया हमारा ये है। अब ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा क्या तुम बताओ, नहीं, सेवन क्या है वो बताओ, गोत्र क्या ये बताओ, साधन क्या ये बताओ, तुम्हारे शाला क्या ये बताओ, सब कुछ बताओ, कुछ नहीं छोड़ना। वो ये चाहते हैं कहीं एक जगह तो फंस जाए, बस एक जगह फंस जाए तो हम ये मान लेंगे हम भी हार गए तुम भी हार गए, इसलिए तुम भी किसी को मत बताना और हम भी किसी को नहीं बताए कि हम भी हार गए। दो में से जैसे वो नहीं, वो नाक काटने वाला एक था ना कि भाई देख तेरी नाक भी कट गई मेरी नाक भी कट गई, अब तुम मत बताना कि ये हम सब नाक कटा संप्रदाय है, बताओगे तुम्हारी बेइज्जती होगी, अब नाक कट ही गई है अब चाहे कुछ भी कर लो। तो ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, ज्ञान कहिए कुल आपनो, फल और द्वार प्रकाश, सब कुछ ज्ञान फल जो, कहाँ निवास कौन संप्रदाय कहो उत्तर, प्रश्न हो जाए तुम्हारा निवास कहाँ है, तुम्हारी संप्रदाय सब कुछ बताओ। अब क्या कह रहे हैं, कृपा दृष्ट बोले तब सुनो साध सब कोई। अब यह लाला जी कह रहे हैं कि कृपा के सागर प्रेम के सागर उन सब साधु महात्माओं कह रहे हैं कि सुनो साध सब कोई, हे साधु मंतो सहन मंतो, आप आराम से सुनिए, आप चिंता मत कीजिए कि हम आपने की बात सुन के भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम आए ही नहीं हैं कि भागने के लिए, हम तो स्पेशल वहाँ औरंगजेब वाला काम रुकवा करके वो छोड़ करके हरिद्वार आए हैं सिर्फ सुनाने के लिए आए, तो ये तो आप नहीं सुनोगे तब भी इकट्ठा करके सुनाएंगे, सुना के ही जाएंगे, आप चिंता ना करो हम सुनाएंगे। बोले प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे होए, एक एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे, वहाँ चार महीने नहीं चार साल भी रहना पड़े हरिद्वार में हम रुक लेंगे, हम आराम से करेंगे। अखत भेद अद्भुत एह चित दे सुनो तुम सब, उनको पहले सावधान से बता दिया, अकथ भेद अद्भुत, जो मैं सुनाऊंगा अकथ आज तक किसी ने नहीं सुनाया है, भेद यानी गुड़ रहस्य, जो शास्त्र में गुड़ रहस्य लिखा था वो सुनाएंगे, अद्भुत है और आप सुन करके आप खुद वाह कहोगे कि ये कितना आश्चर्यजनक कितना अद्भुत ज्ञान है जो हमने आज तक कभी नहीं सुना, ऐसा कहोगे, इसलिए आप चित्त दे सुनो तुम सब, तुम चित्त दे करके सुनिए आराम से। कीजे हृदय विचार धरो दोष जिन अब, अब आप ये दोष मत करो कि हम हार गए हैं हम ये हो गया है, आप सिर्फ निष्पक्ष होकर के सुनिए शास्त्रों की बात सुनिए। उनका ये था कि उनके मन में कहीं ना कहीं था कि हारने वाला ये होता ना, मरता क्या नहीं करता, तो उनको लगता हम जब हमारी बदनामी होनी ही है, हम जब अपने वहाँ अखाड़े में जाएंगे और हमारी बदनामी होगी, देखो कोई नया संप्रदाय वाले आए हैं, अब तुम तो सनकादिक से लेकर के हजारों वर्ष लाखों वर्ष के तुम संप्रदाय वाले और तुम हार करके आ गए। तो बोले ये तुम दोष अपने आप पे मत डालो, बोले ये तो होना ही था, तुम्हें हारना ही था, क्यों कि तुम नहीं, जो तुम्हारे ऋषिकोण सनकादिक उनको उत्पन्नवान जो करने वाले ब्रह्मा वो भी आए होते तो बोले वो भी ऐसे ही होते, इसीलिए अच्छा हो कि वो नहीं है उसके बदले तुम आए हो। तो तुम बिना दोष बिना कुछ दिल में बात लिए आराम से सुनिए। श्रुति स्मृति की साख दे कहो तुम्हें समझाए, अभी कह रहे हैं तुम्हें श्रुति, श्रुति बोलते हैं कोई ऋषि कोई संविधान बनाता है, जैसे अभी हम पढ़ते हैं मनुस्मृति, उसमें हर प्रकार का संविधान है, जैसे अभी हमारे पास एक भारत का संविधान है, उस संविधान को भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति से लेकर के एक गरीब व्यक्ति भी मानेगा। ऐसे ही पहले का जो संविधान है वो ऋषि मुनि लिखते थे कि राजा को ऐसा होना है प्रजा को ऐसा होना, ये नियम ये दंड रहेगा ये समाज का नियम रहेगा, ऐसे तो स्मृतियों में जो बात कही है वो भी समझाएंगे। श्रुति बोलेंगे वेद को, क्योंकि पहले वेद को सुन सुन के याद करते थे, पहले लिखने के कागज पे इत्यादि नहीं था, तो मैंने सुना आपने सुना वो सुन सुन के फिर उन्होंने किसी और को सुनाया, तो उसको श्रुति बोलते थे।
ऋषियों की बात स्मृति में कहलाएगी। तो इन हर एक ग्रंथों के हम साक्षी दे करके सुनाएंगे। ग्राह कहो चित दे सुनो, जो कलजुग भ्रम जाए। तुम में से कोई ग्रहण करने चाहते हो, तुम्हारे कुछ तुम पाना चाहते हो, तो चित्त दे के सुनो, तो कलयुग भ्रम जाए। तो जो कलयुग, कलयुग का यहाँ अर्थ ले रहे हैं अज्ञान रूपी जो भ्रम है वो चला जाए। तुम्हें ये थोड़ा भ्रम हो सकता है कि हम इतने बड़े संप्रदाय के आचार्य हैं और हम ये करेंगे, हम इतने बड़े वो कहलाते हैं, हम सरस्वती कहलाते हैं, हम भारती कहलाते हैं, हमारे इतने शिष्यगण हैं, कितने ये है, हाँ हम इतनी समाधि लगाते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो ये सब आपका जो भ्रम है वो आराम से हट जाएगा। आप चित्त दे के सुनिए। अब कह रहे हैं श्री निजानंद संप्रदाय की पद्धति। सतगुरु ब्रह्मानंद है। अब उन्होंने पहला उन्होंने कहा कि हमारा जो हमारा सतगुरु है कौन है? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद हम आनंद किसको मानते हैं? आनंद स्वरूप श्यामा जी को मानते हैं। सत चित आनंद में हम तीन भाग करते हैं। सत स्वरूप मानते हैं अक्षर ब्रह्म को, सत्ता का स्वरूप, और चित्त स्वरूप मानते हैं मूल स्वरूप को, मानते हैं चित्तघन स्वरूप को, और आनंद स्वरूप मानते हैं हम श्यामा जी को। तो वही हमारे संप्रदाय के में सतगुरु हैं। इसलिए हम जब जयकारा भी लगाते हैं तो सतगुरु धन्य श्री देवचंद्र जी की जय बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारा कौन सदगुरु? कोई लौकिक सदगुरु नहीं है, कोई सन्यासी, कोई मठाधीश नहीं है, पर ब्रह्म की जो आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी हैं वही हमारे लिए सदगुरु के रूप में हैं। तो ये उन्होंने कह रहे हैं। तो भी ये एक श्लोक यहाँ इसमें लिखा है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एको नित्यम विमलचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। और सद्गुरु कैसा है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म का जो आनंद स्वरूप है, परम सुख देने वाला, केवलम ज्ञान मूर्तिम, हम जो मन प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, केवल किसी जड़ मूर्ति के सामने नहीं करते हैं, सद्गुरु रूप जो आनंद की सुख की मूर्ति है उनके सामने करते हैं। और वो कैसा है? द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, हार जीत मान अपमान सुख लाभ जय पराजय, इन सबसे परे, इन द्वंद्वों से परे जो है, और कैसा है? गगन सदृशम, उनका जो हृदय है वो कैसा है? आसमान से भी ऊंचा, इससे भी बड़ा है। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, और उनको कोई ध्यान करता है, कोई पाता है, तो उनको ध्यान करने वाला, समाधि लगाने वाला, वो भी अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं जिस सद्गुरु की मैंने उपासना की है, मैंने जिसको साक्षात्कार किया है, तो तत्वम अस्य लक्ष्यम अर्थात मैं भी उन्हीं के स्वरूप वाला, अर्थात मुझे भी वो आनंद मिल गया है ऐसा। अब कह रहे हैं एको नित्यम विमलम अचलम, एक है परमात्मा, के कौन है? एक एव ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो नित्यम, वो नित्य रहने वाला, कभी भी मिटने वाला नहीं है। विमलम, विमल मल कहते हैं हम विकार, किसी भी विकार से रहित, सांसारिक उनके अंदर कोई भी विकार नहीं है। अचलम, वो अचल मतलब आज है, कल नहीं रहेगा, परसों है, नरसों नहीं, ऐसा नहीं, अनादिकाल से है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो वो रहेगा सर्वदा साक्षी रूपम, और हमारे लिए कैसे हैं? वो हमेशा हमारे हृदय में वो साक्षी रूप हैं, हमारे हृदय में वो हमेशा विद्यमान हैं। भावातीतम त्रिगुण रहितम, इन सत्व रज तम से परे, और हम उनको भावातीत मानते हैं, हमारे मन के भावों से जी जो परे हैं, वो सद्गुरुम तम नमामि, मैं ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ। ये स्कंद पुराण की गीता, गुरु गीता का ये श्लोक है। तो पूरा ये आनंद स्वरूप श्यामा जी हैं, उनके बारे में कहा है। अब है सूत्र है अक्षर रूप। अब हमारा सूत्र, कल मैंने बताया था कि सूत्र क्या होता है, एक संपर्क सूत्र, बांध के रखने को सूत्र कहते हैं। यानी सूत्र, हम जैसे हम कपड़ा सिलते हैं, धागे को सूत्र कहते हैं संस्कृत में। तो हमारा जो सूत्र है कौन है? अक्षर ब्रह्म। सूचनात सूत्र मित्याहु, वो हमें हर प्रकार की परमधाम में होने वाली सूचना देते हैं।
जैसे अब ऋषि मुनियों के दिल में जो बात साक्षी रूप में लिखवाई वो अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही लिखवाई, तो हर प्रकार की सूचना कौन देंगे? अक्षर ब्रह्म देते हैं। इसलिए तदेव मम परमम धाम तदेव उपवीतम तदेव शिखा, कि वही मेरा परम धाम है, वही शिखा है और वही मेरा सूत्र है। वो केवल परम धाम के बारे में और परम धाम संबंधित अक्षर ब्रह्म के बारे में। शिखा सदा इनसे परे, और हमारी शिखा सूत्र कौन है? अक्षर ब्रह्म। वो जो हमारी शिखा क्या इनसे परे, अक्षर ब्रह्म से परे कौन है? परम धाम, रंगमहल, राज्य, सखियां। अब शिखा वैसे हम कहेंगे तो हमारी जो चोटी है उसी संस्कृत शिखा कहेंगे, तो क्या है कि अग्निरीव शिखा यस्य, अग्निरीव शिखा से मतलब अग्नि रूप ज्ञान रूपी शिखा जिसकी है वही शिखा है। न इतर केश धारिणः, विद्वान लोग क्या कहते हैं कि तुम केवल थोड़े से बाल को काट लो, थोड़े से बाल के गुच्छों को सिर पे रख लो, बोले इसको शिखा हम शिखा नहीं मानते हैं। क्या अग्नि, अग्नि मतलब ज्ञान, जिनका ज्ञान जितना ऊंचा है हम उनकी शिखा उतनी ऊंची है। अब हमारा ज्ञान कहाँ है? परम धाम का है, तो हमारी शिखा कहाँ की है? परम धाम की है। अर्थात हमारी शिखा सबसे ऊंची, मतलब हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा है, वो शिखा है। हम केवल बालों को रख लिया, हम चोटी मतलब बहुत लंबी कर ली, कुछ कर लिया, शिखा रखने से नहीं। वो तो शास्त्रों में मना कर दिया, न इतर केश धारिणः, केश धारण करना, बालों को रख लेना वो शिखा नहीं है। यदि कोई बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ विद्वान आ जाए तो हम क्या कहेंगे? ये विद्वान तो बहुत टॉप लेवल का, टॉप मतलब सबसे ऊंचे लेवल, शिखर लेवल का है, तो उनके सिर में शिखा नहीं है, उनके अंदर ज्ञान इतना है, इसीलिए से हम कहते हैं। तो हमारा भी जो ज्ञान है वो परम धाम अक्षर से भी परे का ज्ञान है, इसीलिए कहा कि वो हमारी शिखा, शिखा इनसे परे, अक्षर ब्रह्म से परे हैं, परम धाम का हमारा ज्ञान है, इसीलिए कह रहे हैं। अब इसमें एक श्लोक लिखा ना, यद अक्षरम परम ब्रह्म तत् सूत्रमिति धारयेत्। आप सूत्र के रूप में उस धागे को, यज्ञ पवित्र को मत धारण कीजिए, उस अक्षर ब्रह्म को धारण कीजिए। सूचना तो सूत्रम इत्याहु, सूत्रम नाम परम पद, सूत्र ही हमारे लिए परम पद है। तत् सूत्रम विदितम येन स विप्र वेद पारगः। अक्षर ब्रह्म रूप सूत्र को जिसने जान लिया है वही विद्वान विद्या में पारंगत माना जाएगा। केवल यज्ञोपवीत धारण करने से या सिर में बाल रखने से आप विप्र ब्राह्मण या विद्वान नहीं कहलाएंगे, ये कहा है। तो ये जिसके पास, अब ये माने कि परम धाम का ज्ञान केवल हम ब्रह्म सृष्टियों के पास ही है और किसी पास है ही नहीं, ठीक है, तो अब सबसे बड़े विद्वान कौन कहला जाएंगे? जो परम धाम का ज्ञान रखते हैं वही ब्रह्मांड में सबसे बड़े विद्वान कहे जाएंगे। अब एक श्लोक और है जो मैं अभी कहा था, शिखा ज्ञानमयी अस्य उपवितम च तन्मयम। उपवित बोलते हैं यज्ञोपवित, ब्राह्मणम सकलम तस्य इति ब्रह्म विदो विदुः, चिदेव पंचभूतानि चिदेव भुवनत्रयम्। और जैसे अभी मैंने शिखा रखी, मैंने कल बताया था शरीर हमारा चेतन है, इस चेतन शरीर में भी जो हमारे बाल हमारे जो शरीर से उग निकले मतलब बाहर निकल गए वो जड़ हो गए। मान लो हमारे बालों की चोटी है, मैंने बालों की चोटी को तरोड़ मरोड़ किया, हमें कोई दर्द नहीं हो, क्यों? वो जड़ है। हमारे मान लो हमारे नाखून थोड़े से लंबे हो गए, यदि हम जो जो नाखून शरीर के अंदर है उसको हम छेड़खानी करेंगे हमें दर्द होगा, लेकिन जो शरीर के बाहर नाखून आ गया है उसको हम कुछ करेंगे तो वो हमें कोई दर्द नहीं, उसको हम आराम से काट लेते हैं हमें दर्द नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें सुई चुभो दे तो हमें दर्द होता है। तो क्या कह रहे हैं, चिदेव पंचभूतानि चिदेव भुवनत्रयम्। ये जड़ जो शिखा, जड़ जो यज्ञोपवीत है, तीन धागे, उस तीन धागे में छोटे छोटे तीन धागे हैं और उसमें तुम एक तीन गांठ लगाते हैं उसमें, तो बोले वो हमारा नहीं है, हमारा तो जो कुछ ही है सब कुछ चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार ये कह रहे हैं, तदेव मम परमम धाम तदेव शिखा तदेव पीतम च। मेरी शिखा मेरा परम धाम है, मेरा यज्ञोपवीत भी मेरा परम धाम है, और उपवीत भी मेरा, उपवीत मतलब पास में बैठना, समीप बैठना। तो हम तो यहाँ से निकलते हैं सीधे कि सदगुरु महाराज मुझे यहाँ यहाँ से ले जा रहे हैं, हम कहाँ जाकर रुकते हैं? सीधे मूल मिलावा में, उपवीत मतलब पास में बैठना, हम सीधे राज्य के पास जाके बैठते हैं। ऐसे नहीं कि मूल मिलावा में सीढ़ियों में बैठ गए, नहीं, बिल्कुल वो सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल का है वहीं जाके बैठते हैं राज्य के चरणों के पास में। वो इतने पास में बैठते हैं कि उनको राज्य के चरण कमल में हाथ में ले लेते हैं,
दूर रहेंगे तो हाथ में आएंगे नहीं, पास रहेंगे इतने पास है, तो उपवीत है। हम जितने नजदीक जाएंगे राज्य वही हमारे यज्ञ पवित्र है, जितना दूर रहेंगे वो हमारे पे यज्ञ पवित्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये शास्त्रों का प्रमाण श्री जी ने दिया हुआ मूल वितक में। अब है दूसरा, सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जाना। हम सेवन किसका करते हैं, कौन? पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम किसको कहेंगे? एक पुरुष, दो पुरुष, तीन पुरुष, एक अधम पुरुष होना चाहिए, एक मध्यम पुरुष होना चाहिए, इन दोनों से थोड़ा हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तम ये उत्तम क्वालिटी का है, तो क्या ये थर्ड क्वालिटी वाला, ये अच्छा हमें नहीं है। तो ऐसे ही दो चार पुरुष होंगे तभी तो हम उसकी व्याख्या करेंगे। अब एक ही पुरुष होगा तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं कर पाए, एक ही है, उसके बाद ये मूर्ख है, ये बुद्धिमान नहीं। क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोग में से आज 10ों में ये सबसे बुद्धिमान कह सकते हैं, इसका मतलब कि और भी एक दो पुरुष होंगे, तो कौन सा था? तो इसमें भी अक्सर श्लोक देंगे, ये द्वायम पुरुषावलोक के दो पुरुष और हैं, उत्तम पुरुष से दो, क्षर पुरुष हैं आदिनारायण, अक्षर पुरुष हैं अक्षर ब्रह्म, इन दोनों से परे जो उत्तम है, इन दोनों से उत्तम है, और इन दोनों में जो शक्ति है वो भी उनके कारण से आती है, तो ये इसीलिए इनका विशेष है, तो इसीलिए हम उन्हीं का ही सेवन करते हैं। श्री जी नहीं वेद व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया, क्या सुनाया था? वो केवल उत्तम पुरुष की उपासना करेंगे, उन्हीं का सेवन करेंगे, उन्हीं की कथा सुनेंगे, उन्हीं का ध्यान करेंगे। अब यहाँ पद्धति के रूप में दे रहे हैं कि हम किसका सेवन करते हैं। तब तो वेद व्यास जी सुना रहे थे उनको, अब श्री जी सुना रहे हैं खुद कि हम किसका सेवन करते हैं। अर्थात वेद व्यास जी ये समाधि में बोल, शायद वो आंख बंद करके बैठे होंगे, जन्मेजय जी आंख खोल करके बैठे होंगे वहां कर, और वो खुद सुना कि आज से 4,500 वर्ष के बाद में हरिद्वार के मेले में श्री जी उन आचार्यों के सामने कहेंगे कि सेवन है पुरुषोत्तम, कि वो उस उत्तम पुरुष के ही मानेंगे, वो पहले सुना दिए वहां। अब जब उनको सुना दिया तो अब श्री जी को, तो अब उनके मन में डालने वाला कौन थे? साक्षात। अब फिर वो भी तो वही कहेंगे कि सेवन है पुरुषोत्तम। वो श्री जी ये नहीं कहे कि मेरे अंदर वो शक्ति है, हम मानते ऐसा है, तो वो कहेंगे गोत्र चिदानंद जान। हमारा गोत्र किसी केवल किसी ऋषि से, केवल पंच भौतिक शरीर से उत्पन्न हुआ ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्या है? चिदानंद गोत्र है। हमारा मूल कौन है? हम जब सखियां 12,000 सखियां, उसका मूल कौन है? श्यामा जी। और श्यामा जी का मूल कौन है? राज्य। और फिर वो राज्य कौन है? चिदानंद। वो चित्त स्वरूप, चित्त घन स्वरूप है, वो घन रूप में है। तो हमारा गोत्र वही, हमारा मूल वही है, हमारे सब वहां, हम 5 शक्तियां मानते हैं, 5ों शक्तियों का मूल चित्त घन स्वरूप राज्य ही, तो हम हमारा गोत्र भी यही है। ये तो मैंने उस दिन बताया था कि बाहर में लोग जब जाते हैं तो, क्योंकि हम भी वहां जहां गुरुकुल में पढ़ने गए थे बेंगलोर में, तो वहां थोड़ी एक विधि है कि आपको दोनों कान पकड़ने हैं, कहते हैं चतुस्सागर पर्यंतम भो ब्राह्मणम शुभम भूयात काश्यप गोत्र उत्पन्न हम अहम अहम भवंतम अभिवाद। ये कि मैं इस गोत्र में उत्पन्न हो गया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा वहां बोलना पड़ता था। अब हम मान लो किसी को अभिवादन करेंगे, हम क्या बोलेंगे? चिदानंद गोत्र उत्पन्न। भाई हम चिदानंद गोत्र में उत्पन्न है, हम परम धाम जो चित्तघन स्वरूप है वही हमारा मूल है, वहां से उत्पन्न। तो ये लोग चौंक जाएंगे, भाई चिदानंद गोत्र कौन है? भारद्वाज गोत्र, ये ऋषि का गोत्र, उस ऋषि का गोत्र, ये गोत्र किधर से आया? ठीक है, तो हमारा सब कुछ अलौकिक है, इस दुनिया का कुछ भी हमारे पास नहीं है। परम किशोरी इष्ट है पतिव्रत साधन माना। हमारे जो इष्ट है, इष्ट बोलते हैं हम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, तो यहां परम किशोरी, परम किशोरी कौन है? परम धाम में परम किशोरी कौन है? श्यामा जी। तो हमारे इष्ट देवी कौन है? श्यामा जी है और कोई नहीं है। पतिव्रत साधन मान, और हमारा साधन क्या है? पतिव्रत, पतिव्रता आपने सेविए ना था वेश्या जन। और ये केवल केवल वाणी की बात नहीं है, आप और भी शास्त्रों में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, और वहां भी अर्जुन ने प्रश्न किया कि वो कौन सी भक्ति से उस उत्तम पुरुष को हम प्राप्त कर सकते हैं,
तो उन्होंने को ये कहना पड़ा, परह पुरुषः सह पार्थ भक्त्या लभ्यास्तु अनन्यया। हे पार्थ, पार्थ है नी पृथ्वी का बेटा पार्थ अर्जुन, हे अर्जुन वो जो पर पुरुष है, परम पुरुष है, वो कैसे भक्तिया लभ्यास्तु अनन्य, बोले तू जो तुम्हारे नवधा भक्तियां हैं उस नवधा भक्तियों से परे हैं, अनन्य मतलब एक केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से ही प्राप्त होगा, बाकी की आप नवधा भक्ति होगी चाहे वो 10 प्रकार की हो चाहे 100 प्रकार की भक्ति हो, वो सब छोड़ दो केवल एक, क्योंकि हमारे संप्रदाय में क्या पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम हो तो तुम्हें आज इसी क्षण कोट कोट कल्प कल्प मतलब करोड़ों किलोमीटर और उसको पार करने में तुम्हें कई कल्प लगते हो, वर्ष नहीं वर्षों नहीं, हम वैसे भी 100 साल भी नहीं जिएंगे ऐसे नहीं मर जाएंगे, लेकिन कई कल्प लगते हो तो बोले वो भी एक पलक भी नहीं झपकेगी, उसके भी करोड़ों हिस्से में हम उसको पार कर देंगे, तो इसलिए प्रेम से ही सब कुछ कर पाते हैं, तो हम ये प्रेम लक्षणा हमारी भक्ति है, और हम हमारा साधन क्या है, यही एक पतिव्रता ही साधन है, वही है कुछ श्लोक और दे रखे हैं कि गीता का दिया है और पुराण संहिता का भी दिया है, और जो एक अखंड रास के जो कुछ जिस कृष्ण जी के शरीर में गोलोक में वृंदावन में परम धाम की शक्ति ने आकर के जो रास लीला की थी उसका भी कुछ दे रहे हैं। अनादिम आदिम चित रूपम चिदानंद परम विभु वृंदावनेश्वरम ध्यायेत त्रिगुण से एक कारणम, करे कि वृंदावनेश्वरम ध्यायेत, वृंदावन में जो रमण करने वाले जो शक्ति, तो कौन शक्ति आई थी परम धाम की शक्ति, उन्हीं का ध्यान करना है। त्रिगुण से एक कारणम कि आपको इधर ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी नहीं देखना पड़ेगा, इनसे आगे इन सब इनका भी कारण है, मतलब ये भी उस योग माया से उत्पन्न होकर के आए हैं, तो इनका भी कारण का भी कारण वो जो वहाँ जो जिसने रासलीला की है जो शक्ति ने जो मेरे परम धाम की शक्ति ने उसको आप देखिए। अब है एक चौपाए, श्री जुगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए, हम जाप किसका करते हैं, युगल किशोर, युगल रूप में हम किसको मानते हैं, राजजी और श्यामा जी को मानते हैं, हम कई बार हमें जब हमारा ध्यान नहीं लगता वैसे हम ध्यान करते हैं कि हम ऐसे ऐसे पार किया ये पार किया ये पार किया, कभी हम थके होते हैं तो हम कुछ नहीं करते, 2-4 मिनट राज श्यामा जी बोल करके सो जाते हैं अपना काम चलाते हैं, अर्थात हम जाप भी किसका कर रहे हैं, युगल स्वरूप का, यही मंत्र है हमारा, उसी का ही जाप करेंगे, उठते ही जैसे उठेंगे बिस्तर से राज श्यामा जी, कुछ हो जाएगा राज श्यामा जी, जो कुछ हो जाएगा राज श्यामा जी, तो यही हमारा हम 24 घंटे हमारा जाप है, हम चाहे कहे हम कोई कहे नहीं कहे, हमने किसी नहीं हमको किसी नहीं कहा कि तुम इसी का जाप करो, वो अपने आप दिल से हो जाता है। मंत्र तारतम सोए, और हमारा जो मंत्र है तारतम, कौन सा मंत्र है हमारा, कौन सा मंत्र है, तारतम मंत्र है, केवल तारतम इतना मंत्र नहीं है, वो तारतम ऐसे कहने जो 6 चौपाइयां हैं एक वो, और ऐसा ये पूरी वाणी है तारतम, वो 6 चौपाइयों को वाणी कहते हैं, ये तारतम वाणी मतलब 18,758 चौपाइयां, और ये बीतक 4,000 चौपाइयां लगभग, देखो 22,000 चौपाइयां, ये सारा ही सब कुछ क्या है, तारतम है हमारे, ये सब कुछ मंत्र है, क्यों मंत्र बोलते किसको है, मत्री गुप्त परिभाषण है, जिस वाक्य में शब्द में कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ हो उसको हम मंत्र बोलते हैं, और हमारा मंत्र क्या है, तारतम, और ये तारतम पूरी वाणी में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ, केवल 6 चौपाइयों में गूढ़ रहस्य नहीं है, पूरी वाणी में पूरी बीतक में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ, इसलिए पूरी वाणी ये तारतम है, ये तारतम उसमें ना आ गया तारतम का तारतम, कुछ भाग को तारतम कहा, और तारतम का तारतम भी सागर सिंगार ये है उनको कहा, और तारतम शब्द का अर्थ करें तो आपने वो देखा तार लाइट का बिजली का जिसमें करंट लगता है, यदि उस तार को कहीं बीच में काट दो, जैसे ये बिजली आ रही इधर से मैं बीच में काट दूं तो बिजली आएगी पंखा घूमेगा नहीं, तो वायर को जोड़ के रखना पड़ता है, हमेशा जोड़ के रखना पड़ता है तो हमेशा लाइट आएगी,
ऐसे ही हमारा अपना आत्मा का संबंध राज्य के चरणों से हमेशा जुड़ के रखना है, हमेशा जुड़ा हुआ ही रहता है। इसीलिए हम उसको तारतम बोलते हैं, जो वाणी है वो हम कहते हैं ना, खाते पीते उठते बैठते सुवन सोपन जागृत, हमेशा आप जिस हाल में रहो, सुख में दुख में कैसे भी रहो, आपको हमेशा जोड़ के रखना है, तारतम्य भाव में रखना है। तो इसीलिए इसको तारतम कहते हैं। वो केवल छह चौपाई नहीं है, निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत ये भी है। कई कई लोग बोलते हैं निज नाम श्री कृष्ण जी बोलते हैं, वो भी है। अभी कुछ दिन अभी जब अभी पन्ना जी गया था तो गुम्मट जी के ऊपर में जाने का वो अवसर मिला, तो मैं उसमें फोटो खींच के आया। मैं पुराने अक्षर में लिखा हुआ सीमेंट से बड़े ध्यान से देखा मैंने, तो गोल से लिखा हुआ निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत ऐसा करके। फिर मैं उसका फोटो खींच के लाया, फिर एक जगह उसमें दो तीन जगह उर्दू में लिखा हुआ था ऐसा करके। फिर आ करके हमने पूछा कि ये कब का लिखा हुआ, क्या क्या क्या, क्या सृजन ने लिखवाया था, कैसा जो भी था उसका, तो जो वो एक समस्या वो अलग है, लेकिन वहाँ ऐसा लिखा हुआ था। फिर जब ऐसे और प्रमाण है अभी हमारे उसमें छपने वाले हैं कि श्री जी के समय में क्या लिखा था, और जो हम वाणी पढ़ते हैं शुरू की जो वाणी में कहीं कहीं निज नाम श्री कृष्ण जी का आता है, और बाद की वाणी में निज नाम श्री जी साहब जी का आता है, और जो बाद वाला आदेश होता है वही मान्य होता है। मतलब हम आपको कहें कि आप जाइए पानी लेके आइए, ये पहला आदेश, रुकिए मत जाइए बैठ जाइए, ये दूसरा आदेश। तो अब हम किसको मानेंगे, हम किसको मानेंगे, दूसरे वालों को मानेंगे ना। ऐसा नहीं मैं आपने कह दिया अब जाऊंगा ही, चाहे आप कुछ भी कहते रहो, नहीं वो नहीं। तो पहले कहा गया निज नाम श्री कृष्ण, मतलब उनको अभी श्यामा जी को वहां तक का नहीं पता था, तो उनको ये बता दिया कि अभी भाई मैं निज नाम श्री कृष्ण के रूप में हूँ, क्योंकि तुम भागवत सुन रहे हो और भागवत में वही जो अखंड रास है तो वहां का बताया, और बोला कि अब जो रास में जो शक्ति आई थी वहां की आई थी तो बताया। फिर ऐसे करते करते उधर चले गए तो निज नाम श्री साहेब का कह दिया कि मैं अनंत शोभा से युक्त हूँ निज नाम श्री साहेब, मेरा जो निज नाम है वो श्री जी है, श्री जी मतलब अनंत शोभा वाला है, अनंत महिमा का है, तो वो उन्होंने बताया। तो वो बाद वाला आदेश है, तो हम जो मान रहे हैं वो बाद वाले आदेश को मान रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं नहीं, जो आपने एक बार कह दिया अब हम नहीं सुनेंगे, अब हमने कान बंद कर लिया है, अब सुनेंगे ही नहीं, तो वो वाला बात है। तो इसलिए अब हमारा क्या है, हम उसी मंत्र को मानते हैं, और आप कुछ भी मानिए, यदि आपकी इच्छा है कि आप निज नाम श्री हनुमान जी मान लो। आप कोई मुझे कहे कि भाई मेरे को ले जाओ, मैं ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा, ज्ञानपीठ में जितना मेरा अधिकार है वहां तक ले जाऊंगा, आपको जाके ऑफिस में नहीं बिठा दूंगा, जाके ज्ञानपीठ के कोई मतलब गुड़ रस्सी बता दूंगा, जितना अधिकार वो बता दूंगा। तो मान लो मैं निज नाम के जी कृष्णा जी मान भी लिया, तो मुझे कृष्णा जी खींच के ले जाएंगे, गोलोक तक ले जाएंगे, वृंदावन तक ले जाएंगे, केवल ब्रह्म तक ले जाएंगे, स्वस्वरूप में भी नहीं ले, क्यों, वो खुद नहीं है वहाँ पे, वहाँ तो खुद अक्षर ब्रह्म जी वहाँ बैठे हुए हैं, वो तो खुद कह दें भाई रुक जा, तुम्हारा जो सीमा है वो केवल ब्रह्म तक है, और इधर हमारी शुरू होती है, अब हम इनको आगे ले जाएंगे, अब हम जो आगे ले जाएंगे निज नाम श्री साहेब जी ले जाएंगे। आपत्ति नहीं है, आप कोई भी मानिए, आज निज नाम श्री राम जी कर लो, श्याम जी कर लो, कोई कुछ नहीं है, वो तो नाम मात्र है। तो ठीक है, तो हमारा मंत्र कौन सा है, तारतम मंत्र है, और तारतम मंत्र केवल छह चौपाई नहीं है, पूरी वाणी है, और प्रत्येक वाणी में गूढ़ रहस्य है। ब्रह्म विद्या देवी सही पूरी नवचन मम जोए, हम विद्या, हमारी विद्या कौन सी है, ब्रह्म विद्या, कोई सामान्य विद्या नहीं है, किसी लौकिक किसी ऋषि मुनि के बारे में, किसी पहाड़ पत्थर नदी के बारे में बताने वाली विद्या नहीं है, कौन सी, ब्रह्म विद्या है। ये ऐसी विद्या है जो ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में जो ज्ञान दे, वो हमारी विद्या है, और वो जो ब्रह्म विद्या है वो हमारी देवी है, देवी मतलब दिव्य गुणों से युक्त जो है, तो हमारी जो ब्रह्म विद्या इसके अंदर जो गुण है, और इस ब्रह्म विद्या के गुण लिखने में तो पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं, समुद्र को स्याही बना दूं, पेड़ों के लकड़ियों को मैं पेन बना दूं, और इतने करोड़ों वर्षों लिखते जाऊं तो बोले एक अक्षर नहीं लिख पाऊं, ये इनकी महिमा है, ये इनकी हमारे जो ब्रह्म विद्या की महिमा है, तो वो हमारी देवी हैं, और हमारी पूरी जो हैं ये, इसलिए उन्होंने पूरी ये वाली कही
उस समय पद्मावती पूरी थी ही नहीं, बनी ही नहीं थी। हाँ बननी है, वो तो शास्त्रों में पहले कह दिया कि चित्रकूटे वने रम्य सवय तत्र भविष्यति। चित्रकूट के रमणीय वन के बीच में, उस वहां विंध्याचल पर्वत के वहां बीच में वो बनेगी, ऐसा तो है। लेकिन वहां के आचार्यों क्या चाहिए, बनी बनाई चाहिए। हमारा मठ बना हुआ है, हमारी ये नदी है बना हुआ, बना बनाया चाहिए। यदि मान लो कोई आचार्य बोले चलो ठीक है वो जो तुम्हारा जो पूरी है कौन सी, हम भी जाके देखें। अब क्या ना उसमें पन्ना जी तो है ही नहीं, उसमें जंगल में क्या देखते हैं, तो बोले महात्मा झूठे हैं, ऐसे ही हवा में फेंक दिया। इसलिए नवतन पूरी, क्यों, इस ब्रह्मांड में पहला ज्ञान आया, एक शब्द भी आया, चाहे वो निज नाम श्री कृष्ण जी के रूप में आया हो, निज नाम श्री स्थिति जी के साहब में आया, कुछ भी आया हो वो नवतनपुरी में आया। इसलिए उसकी विशेषता है और वो हमारी पूरी है। बोले यदि हम इस दुनिया में कहीं जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, बैठने के लिए जाएंगे, मत्था टेकने जाएंगे, तो वह नवतनपुरी जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि यदि आपको भी जाना है तो वहाँ जा करके आप देख लीजिए, वहाँ कई सारे ब्रह्म मुनियों ने वहाँ पर अपना प्रवचन किया है। और ज़्यादा यदि वो जाते तो बोल देते कि ठीक है आप जाइए, वहाँ बिहार जी आपको मिल लेंगे, हमारे महाराज जी वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी पूरी कौन सी है, नवतन पूरी है। अब ये दे रहे हैं 78 सौपक शाखा सही साला है गोलोक। हमारी जो शाखा है वो क्या, हम 78 पक्ष मानते हैं और फिर जोड़ करके हम अपना 25 पक्ष और वल्भाचार्य जी का पक्ष और कबीर जी का पक्ष ये सब मान करके हम कर लेते हैं 108। चलो हम किसी वैसे मदि मान लो हम अपने नाम के आगे 108 लगा दे तो सर हमें ऐसे लगता है कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इन 108 पक्ष को जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। क्योंकि हम 108 क्यों लगाते हैं, 108 ये महाराज, मतलब ये जो महाराज जी हैं वो 108 पक्ष को जानने वाले हैं, अथवा इनको 108 पक्ष का ज्ञान है। यदि हम ये दूसरे व्यक्ति को कहलवाना चाहते हैं कि मुझे 108 पक्ष का ज्ञान है, तो उसको कहो मत कि मुझे ज्ञान है, आप अपने नाम के आगे 108 लगा लो, 108 श्री ये माता जी, ये पिताजी, ये भ्राता जी, ये महाराज जी। तो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये बंदे को 108 पक्ष का ज्ञान है, मतलब इधर से लेकर के नवदा भक्ति से लेकर के परम धाम के 25 पक्ष तक का ज्ञान है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये 1000 पक्ष वाला ये समझ में नहीं आया, बोले ना 1008 वाला, भाई वो 25 पक्ष मिला करके हमने तो कर लिया 108, अब 1008 में से हम 108 निकालेंगे कितने हो जाएंगे, 900। ये 900 पक्ष कहाँ से कौन लाएगा, ये कौन बताएगा कि तुम 900 कौन से दूसरे पक्ष जानते हो। ठीक है, तो हम करेंगे 100, हम पक्ष कैसे मानते हैं, नवदा भक्ति मानते हैं, श्रवण कीर्तन पद सेवन जो दास्यम है, श्रवणम कीर्तनम, तीन गुणों वाले लोग मानते हैं, सत्वरज मतलब बिल्कुल समाधि में साधु महात्मा फलाहार दुग्धाहार करने वाले मानते हैं, प्याज लहसुन खाने वाले जो मतलब रजोगुण वाले मानते हैं, तामसिक वाले ही मानते हैं। जैसे हम साउथ में जाएंगे अभी, तो यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति भक्ति करता है वो थोड़ा इन मांसाहार से दूर रहता है, लेकिन साउथ में आप जाइए तो सुबह धोती वोती ओढ़ के, धोती पहन के, इधर तिलक गले में कान में सब जगह तिलक लगा करके मंदिर जाएगा बंदा, वहाँ से आ करके अपने ऑफिस के कपड़े पहन के ऑफिस जाएगा, ऑफिस से आ करके वही बंदा फिर वो मछली लेने जाएगा, तो वो तीनों हो जाता है। तो ये सत्व रज तम गुणों से मिश्रित इन 9 प्रकार की भक्तियों को जब करेंगे कितने हो जाएंगे प्रकार, इनके 27 हो जाएंगे। पर एक भक्ति को 3 प्रकार से करेंगे आप, मतलब अभी एक दास रूप भक्ति करनी है, उसमें सत्व गुण वाला भी करेगा, रजोगुण वाला भी करेगा और तम गुण वाले का, तो एक ही भक्ति को 3 प्रकार से कर रहे हो आप। तो ऐसे ही नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति को 3 प्रकार के लोग करेंगे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। और उन 27 में भी कितने लोग होते हैं, पुष्ट प्रवाह और मर्यादा 3 प्रकार से मानते हैं। पुष्ट यानी निश्चित रूप से, भाई मैं तो मानता ही हूँ, तुम मानो चाहे ना मानो, मैं तो सुनता ही हूँ, मैं ध्यान करता ही हूँ, मैं एकदम दृढ़ हूँ, अपने चाहे कुछ भी हो जाए मैं ध्यान करूँगा, ये मेरा पुष्ट। एक है प्रवाह, कभी कभी मेरा मन नहीं करता है लेकिन मेरा दोस्त कर लेता है तो मैं भी कर लेता हूँ,
प्रवाह, प्रवाह मतलब चलो पानी इस तरफ बह रहा है तो मैं भी बह जाता हूं। पुष्ट क्या है कि प्रवाह इस तरफ है लेकिन मैं तो इधर ही बहूंगा, क्यों? मेरा अपना दृढ़ निश्चय है। और एक है मर्यादा, चलो इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, बहुत जब तारतम लिया तब से ध्यान करते आ रहे हैं, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, मर्यादा। अथवा चार लोग बैठे हैं, पता नहीं कितना सुंदर साधु का ध्यान नहीं करता है, मर्यादा मतलब बैठ जा थोड़ा करके, लगे कि हाँ मैं भी कर रहा हूँ। तो हम मतलब कहीं ना कहीं उन नवदा भक्तियों में भी, मैं हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, संसार के उन नवदा भक्तियों लोगों प्रत्येक प्राणी, इसमें सत्व रज तम में और नवदा भक्तियों में हर प्राणी आ जाएगा जिसको मनुष्य कहते हैं, चाहे वो कि देव देवता को मानता हो चाहे कुछ भी ना मानता हो, सबको ही आ जाएगा। लेकिन हम सबकी पूरी दुनिया की बात नहीं करें, हम अपने सीमित रखेंगे, ठीक है? तो वो मानेंगे तो कितने हो जाएंगे, 27 को 3 से गुना कर कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएगा। अब इसमें हम कबीर जी को मानते हैं, अब कबीर जी अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में आते हैं, और जो सनकादिक हैं, जो ऋषि, चार ऋषि हैं, और एक वल्भाचार्य जी, जो वल्भाचार्य जी हैं वो भी है, तो चार वो, एक ये वल्भाचार्य जी और कबीर जी, कितने हो जाएंगे? गणित नहीं आ रही है, छोड़ दो। और परमधाम के 25 पग, ये सब मिला कितने हो जाएंगे? 108। तो यहां तो कह रहे कि 78 पक शाखा सही, हमारे शाखा जो 78 पक्ष वो भी मानते हैं, ठीक है, और वो हमारे जो परमधाम के 25 पक्ष हैं वो तो हम मानते ही मानते हैं, चाहे हम इनके ये नवधा भक्ति को हम माने चाहे ना माने, वैसे मानते ही नहीं है कि हमारे क्या है, नवधा से न्यारो कहियो, चौदह भवन में नहीं, नवधा भक्ति चौदह भवन में है, और हमारे जो प्रेम लक्षण जो भक्ति है वो चौदह भवन के भीतर नहीं है, वो बाहर की है। तो हम अंदर का मानते हैं, हम बाहर का मानते हैं, तो इसलिए ये सबसे परे का है। शाला है गोलोक, अब हमारी शाला है जो हम रुकते हैं, अभी हम कभी कभी ध्यान जाते हैं ना तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, ब्रज में रुकते हैं, रास में रुकते हैं ना 2 सेकंड में, देखो अब मैं यहाँ से ब्रज की लीला को देखते हुए, यहाँ ऐसे ही वो अगासुर बगासुर जो बहुत सारे उनको देखते हुए, कभी कभी हम उसी में ही उलझ जाते हैं, फिर थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो रास में कि वहाँ सब सखियाँ रास कर रही है उसको देखते, तो हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकने का स्थान अथवा शाला उसको बोलेंगे, जहाँ पर प्रियतम ने, हमारे राज जी ने जिस स्थान पर आकर के प्रेम की लीला की है, की थी, तो वो अभी हमारे लिए स्थान विशेष हो जाता है। तो वो हमारी शाला है, गोलोक है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक, हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र स्थान है, वो कहाँ है? सदगुरु के चरण कमल ही है। कोई कोई बोले श्रृंगेरी, कोई बोले गोवर्धन, कोई बोले द्वारका, ये जो जड़ क्षेत्र वृंदावन वो हमारा नहीं है। हमें कुछ भी दुख होता है हम सदगुरु के चरणों को याद करते हैं। सदगुरु कौन है? सदगुरु मेरा श्याम जी। सह पूर्वेशम अपि गुरु काले न अनुच्छेदात, इस दुनिया में जितने गुरु संप्रदाय, इनका गुरु कौन? ब्रह्म विष्णु महेश। इनका भी जो गुरु कौन? काले न अनवच्छेदात, ब्रह्म विष्णु महेश ये रहे ना चाहे ना रहे, लेकिन वो समय से परे हैं, था है और रहेगा, तो वो हमारा परम गुरु है, वो सबका गुरु है, हमारा ही नहीं उनका भी गुरु है। तो और हमारा यदि हम मानते, हमारा सदगुरु मेरे श्याम जी, हम जो राज जी हैं वही हैं, वो हमारा सदगुरु, तो उनके चरण कमल ही हमारे लिए क्या है? क्षेत्र है। और हम कभी दुखी होते हैं तो उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के चरणों को याद करते हैं, जहाँ जाए सब शोक, सारे शोक, सारी समस्या, सारे सब कुछ परेशानियाँ उनके चरणों को याद करते ही गायब हो जाती है, तो वो उसको हम मानते हैं। सुख विलास महनित वृंदावन, अब हमारा सुख विलास का जो प्रेम का जो आनंद की लीला करने का जो स्थान है कौन? नित्य वृंदावन। यदि यहाँ ऐसा लिखते कि वृंदावन, ऐसा लिखने से हमें संशय होता, ये वृंदावन या वो वृंदावन, तो उन्होंने एक शब्द डाल दिया नित्य वृंदावन, इससे ये पता लग गया कि ये जो महाप्रलय में नष्ट होने वाला वृंदावन नहीं है, नित्य
जो केवल ब्रह्म में जहाँ रास की लीला हुई थी जमुना जी के किनारे वृंदावन में, वो वाला वृंदावन हमारा सुख विलास का है। वहाँ पर हमने अक्षर ब्रह्म को राज्जी को दिखाना था कि अक्षर राज्जी परम धाम में रंग महल में सखियों के साथ क्या लीला करते हैं, वो लीला हमने की थी और वही हमारा स्थान है। ऋषि महाविष्णु है जो ये, और हमारा ऋषि कौन है, महाविष्णु है। हमने किसी को नहीं रखा यहाँ, किसी भारद्वाज ऋषि को, ये ऋषि कुछ नहीं, हमें सीधा ऋषि किसी महाविष्णु को, आदिनारायण को। क्यों, आदिनारायण का जो मूल स्वरूप है वो अव्याकृत में है और वो अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है, वही सुमंगला का, वही प्रणव ब्रह्म का स्वरूप है और वही अपना चिदानंद लहरी है, तो हम उसी को ऋषि माना है। क्योंकि राज्जी या अक्षर ब्रह्म या कुछ भी लिखवाना चाहेंगे सबसे पहले वो हमारा ऋषि कौन है, महाविष्णु आदिनारायण, उसको कहेंगे कि भाई तू ये लिखवा देना। जब ये लिखवाएंगे, अब ये महाविष्णु जो आदिना वो देखेंगे देख कौन ऋषि मुनि समाधि में बैठे हुए हैं, कौन समाधि लगा के मेरे तक पहुंचा हुआ है, इनके दिल में डाल देंगे भाई तू परम धाम की ये वाली घटनाएं ऐसी घटनी है, अपने शास्त्र में जाके लिख दे। तो हमारा जो ऋषि का काम कौन करते हैं, महाविष्णु करते हैं। अब है वेद हमारो स्वसम है, हमारा जो वेद है, कोई बोले हमारा यजुर्वेद, कोई बोले हमारा आदि ऋग्वेद, कोई सामवेद, कोई अथर्ववेद, ठीक है वो भी वेद है, उसको हम नकारते नहीं है, उसको हम अपमान भी नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है हम उनको भी मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा जो पांचवा वेद है, कौन सा, स्वसंवेद समादिष्टः, उसमें जब अभी महाशतंत्र में जब पढ़ेंगे तो ये पद्धति संस्कृत में लिखी हुई वहाँ पर, तो हमारा जो वेद है स्वसम, स्वसम, स्व बोलते हैं अपने, हम बोले स्वयं को देखो, अपने आप को देखो, स्वयं मतलब अपने आप को। तो ये जो वेद है, जो ज्ञान है, ये किसी दूसरे की पहचान नहीं कराता। वाणी रूपी जो हमारे पास स्वसम वेद है, तार्थम वाणी है, वो कोई दूसरे की पहचान करा दे, जैसे मान लो मैं वेद पढ़ूं, दर्शन पढ़ूं, उपनिषद पढ़ूं, कोई और शास्त्र पढ़ लूं, पुराण पढ़ूं, वो कोई दूसरे के बारे में बता दे, देखो वो ऐसे थे, देखो वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। और ये क्या, स्वसम, खुद के बारे में, तुम परम धाम में अनादिकाल से ऐसी लीला करते थे, तुम्हारे अंदर ऐसा ऐसा मन में विचार आया, तुम ब्रज में आए, तुम रास में गए, फिर तुम परम धाम में गए, फिर तुम यहाँ जागने में आए, फिर तुम वहाँ जाओगे, अनंत काल था। स्वसम अपने बारे में सब कुछ लिखा, अपने बारे में, हमारे ही बारे में, हमको छोड़ के उसमें कुछ नहीं है। इसलिए ये जो वेद कैसा है, अपना है, उसको हम आत्मा वेद कहते हैं, आत्मा भी बोलते हैं स्वयं को। लौकिक भाषा में आत्मा शब्द का जो प्रयोग करते हैं, जो हम बोलते हैं अपने आप को देखो, मतलब अपनी आत्मा को देखो, अपने स्वयं को देखो, तो ये स्वसम वेद हमारे अपने लिए हैं। तीर्थ जमुना सोए, अब यहाँ जमुना जी कहने से संशय हो जाएगा, दो दो जमुना जी हो गई, एक ये वाली और एक उधर वाली। यदि ये यमुना नदी है और वो जमुना जी हैं, तो यह और ज को देख करके हाँ जमुना जी मतलब वो है, तो यहाँ देख लेता हूँ, तीर्थ जमुना सोए, मतलब वहाँ का है यमुना, यदि वो कहते तीर्थ यमुना होता तो क्या होता, इधर हम देख सकते थे तीर्थ जमुना जी जो पुखराज पहाड़ से निकल करके सात वनों से केल वन और इधर से होते हुए होज कोसर में जा करके जो एकत्रित होती है वो जमुना जी हैं। उसके और पीछे जाएंगे तो एक वो स्थूल रूप में तो हम दिखती है, लेकिन हम और देखें तो राज्जी के दिल में जो प्रेम है वो प्रेम वहाँ प्रवाहित हो रहा है, तो वो हमारे लिए जमुना जी हैं। और हम जब यहाँ से जाते हैं ये सब पार करके केल वन से होते उधर केल पुल से यूं जाएंगे, तीन सीढ़ियाँ नीचे उतर करके डुबकी लगाते हैं जमुना जी में, बोलते ना दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा, एकदम साफ सुथरा जल दिखाई दे रहा, मैंने उसमें स्नान किया, फिर निकल करके हम श्रृंगार करके देहुर में जाकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो तीर्थ है, तैरने का जो है वो कौन सा है, वो जो अखंड की जमुना जी हैं वो है। ये जो तुम्हारी इधर वाली जिसमें मछलियां तैरती है उसको भी मुक्ति नहीं मिलती है, वो वाली नहीं है, क्योंकि वहां तो मछलियां तैरती भी हैं, मछलियों को मुक्ति मिलती है, जो मछुआरे आ करके जाल बिछा के खा जाते हैं तो वो बेचारे की मतलब उस शरीर से मुक्ति हो गई उनको, उस जीव को किसी पाप के कारण पानी में तैरना पड़ा, अब किसी मछुआरे ने उसको उस शरीर से मुक्ति दे दी, तो थोड़ी देर के लिए किसी दूसरे शरीर में वो चली गई अपने, कि भाई मेरे को एक साल दो साल के लिए पानी में तैरना था, मैंने कोई पाप किया होगा, बहुत पानी खर्च किया होगा किसी जन्म में,
या फिर ऐसा कुछ किया होगा तो मिल गया ऐसा करके। तो हमारी वो वाली जमुना जी हैं, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान। हमारा शास्त्र श्रवण, हम कौन से शास्त्र का श्रवण करते हैं? भागवत का करते हैं, इसलिए कि वहाँ उस समय संपूर्ण वाणी का अवतरण ना होने से और कह नहीं सकते थे कि हमारे पास ये वाला ग्रंथ है। यदि पूर्ण रूप से हमारी वाणी अवतरित होती और ऐसे ग्रंथ रूप में होती तो हम कह सकते थे कि हमारा ये ज्ञान है और ये हमारा ग्रंथ है, ये हमारा शास्त्र है जिसका हम श्रवण करते हैं, ठीक है। यदि वो कह देते कि ठीक है महात्मा जी जब आप बता ही रहे हो तो दिखा भी दो तुम्हारा शास्त्र क्या है, और वो तो बिहार जी ने रख लिया था, कलश है खटूर्ति है सब रख लिया था ना, बिहार जी ने दिया ही नहीं था तो क्या दिखाते हैं। जब वो दिखाते फिर अगल बगल देखते तो वो बोलते भाई कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, शास्त्र श्रवण श्री भागवत। भागवत में भी कौन सा, दसवें स्कंद में 40वें अध्याय में जो 4-5 मंत्र श्लोक हैं, अखंड ब्रिज रास का जो वर्णन करते हैं कि वो जो रास की लीला है वो जब से हुई है तब से लेकर के निरंतर रूप से अनंत काल तक अखंड रूप से बिना बाधा के होती रहेगी, ये 4-5 मंत्र उतना ही श्रवण करते हैं, बाकी हम श्रवण नहीं करते हैं। तो वो है हमारा बुद्ध जागृत को ज्ञान। और हमारा जो ज्ञान है, तुम्हारे पास जितना ज्ञान है पुराणों में उपनिषदों में दर्शनों में जो तुम्हारे दशनाम सन्यासी में है, वो कौन सा है, स्वप्न की बुद्धि का। हमारा ज्ञान कौन सा है, जागृत बुद्धि का। तो वो हमारा ज्ञान है और हमारे पास जो भी ज्ञान है ऐसा ही है। कुल मूल हमारो आनंद है फल नित्य विहार प्रमाण। हमारा जो आनंद लेने का जो है कुल मूल, हमारा कुल क्या है, कुल एक होता है ना कुल गुरु कुल देवी होती है, मतलब जब से परिवार बना है तब से देवी देवता वही है। तो हमारा कुल हमारा क्या है, परम धम्य है क्या, प्रेमी प्रेम है, आनंद ही आनंद है। तो ले देखे हमारे पास जो कुछ भी है कुल मूल, हमारा मूल क्या है, राज्य है। और वो राज्य है कैसे है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही हमारे मूल भी वही है और मूल में भी आनंद है हमारे। तो इसलिए हमारा कुल भी मूल भी और हम सब कुछ राज्य ही हमारे लिए है। फल नित्य विहार प्रमाण, और हम ये सब मानने से तुम्हें फल क्या मिलता है, तुम जमुना जी को मानो, तुम ससंवेद मानो, तुम श्रवण करो, तुम उसके विधान, तुम फल नित्य विहार प्रमाण, नित्य तुम इस शरीर को छोड़ करके जाओगे, संसार को छोड़ करके जाओगे तो वहां पे विहार करोगे, वहां भी मतलब जो हमारी आत्मा है वहां सुख पाएगी। कैसे, नित्य। जैसे मान लो कि मैंने किसी देवी देवता को मान के मैं स्वर्ग में चला गया, तो स्वर्ग में मैं घूमूंगा, इधर उधर जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, कितने दिन घूम लूंगा, 1 साल 10 15 20 साल, लाख 2 लाख करोड़ वर्ष घूम लूंगा, आखिर एक दिन तो आएगा कि वो महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा। तो फिर स्वर्ग में नित्य विहार नहीं कर सकते, वैकुंठ में हम नित्य विहार नहीं कर सकते, मान लो तुम इतनी मेहनत करो और तुम्हें महाप्रलय मरना पड़े, तो बोले हमने ऐसा ही मेहनत हम करते ही नहीं है, हम जो मेहनत करते हैं यहाँ मेहनत यहाँ करेंगे और विहार करेंगे, यदि हम जीव सृष्टि भी हैं तो भी हम योग माया में ही विहार करेंगे, और यदि हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो परमधाम हमारा है ही है। तो बोले हम इसका मानने का फल है नित्य विहार प्रमाण, मतलब ये प्रमाण प्रमाणित रूप से है कि हम वहीं विहार करेंगे। अब है दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, हमारा धाम कौन सा है, तदेव मम परमम धाम, वही मेरा परम धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वही मेरा दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। वेद में कहें तो यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन सु अंग वेद यदि वान, जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है, मालिक है, बनाने वाला है, वो कौन है, परम व्योम में, परम धाम में रहता है, परम आकाश में रहता है, ऐसे उसमें अथर्ववेद में भी है, सुधाया मा देही परम व्योमन, हे ईश्वर मेरे को तुम ऐसे परम व्योम में उस परम धाम में लेके चलो जहाँ चारों तरफ सुधा बोलते हैं अमृत को, चारों तरफ अमृत ही अमृत हो, सुख ही सुख हो, आनंद ही हो, यहाँ तो हो नहीं सकता, तो परम धाम में ले आ सकते हैं। तो वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, ब्रह्मपुर ब्रह्म जहां पर रहते हैं, तो ब्रह्म जो हमारा राज्य कहाँ रहते हैं, वहां रहे, एक लिखा ना यो हिरण्यम तिष्ठन्तम सलिले वेद, सलिल बोलते पानी को, सलिलम नीरम ऐसा करके, तो
प्रेम रूपी जल जो जमुना जी के वहां पर जो रहते हैं, और सहवै गुह्य प्रजापति, और जो उनकी जो प्रजा, उस राज्य की प्रजा कौन है? सखियां। तो राज्य ने अब तक उनको छिपा के रखा था, तब बोला गुह्य प्रजापति, वेद ने कहीं से पता नहीं कहां झांके देख लिया, जबकि वेद योग माया के ब्रह्मांड में अव्याकृत में है, किताब के रूप में, और मूल पुरुष के रूप में सबलिक में है। अब कैसे उन्होंने वहां देख लिया, राज्य ने लिखवाया कि किस प्रकार लिखवाया, उन्होंने लिख लिया कि उस प्रेम रूप सलील में एक है, उसमें गुह्य प्रजापति, बोले कुछ उनकी प्रजाएं भी हैं। तो ये गूढ़ रहस्य अथर्ववेद का है, वो सिर्फ हम अपने तारतम ज्ञान के माध्यम से ही उनको सुलझा सकते हैं, वो कौन है, सलील क्या है, और वो जो गुह्य प्रजा क्या है। तो हमारे ये दिव्य ब्रह्मपुर धाम, हमारा ये धाम है, और इस धाम के बारे में सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा बताया, किसी ने योग माया को ही अपना धाम मतलब परम धाम मान लिया, और किसी ने परम धाम को धाम माना, ज़्यादातर योग माया को ही माना, क्योंकि ना यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वह धाम मेरा है जहाँ से लौट करके हम वापस नहीं आ सकते, स्वर्ग से आ सकते हैं, नरक से वो वैकुंठ से आ सकते हैं, क्योंकि निश्चित है, मान लो आप एक जन्म में, 10 जन्म में 20 जन्म में 100 जन्म में 1000 जन्म में समाधि लगाएंगे, आपने मेहनत किया है 1000 जन्म, तो 1000 जन्म के बदले में आप फल, अखंड फल कैसे पालोगे? चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 2 4 20 करोड़ वर्षों तक रह लो आप स्वर्ग में, लेकिन लिमिटेड कर्मों के कारण अनलिमिटेड मुक्ति हमें, हम तुम्हें नहीं दे सकते, इसीलिए तो उनको बीच में महाप्रलय में लय करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब श्री कृष्ण भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं कि भाई मैं इधर का नहीं हूँ, कृष्ण जी उनको कह रहे हैं दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के कि मेरी जो शक्ति है, तो ये जो शक्ति बोल रही है वो शक्ति कहाँ की बोल रही है? गोलोक की शक्ति, गोलोक की शक्ति आकर के बोल रही है कि तद धाम परमम मम, ये जो मेरा परम धाम कौन सा है, मान लो मैं हूँ, मैं बोलूँगा मेरा धाम, मैं जहाँ से आया हूँ वो मेरा परम धाम है, तो वो शक्ति कहाँ से आई? गोलोक से आई थी। तो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि मैं आया हूं तो वो गोलोक उनके लिए परम धाम था, क्योंकि तुम योग माया में जो अखंड मुक्ति पाओगे वहां से भी नहीं लौट के आओगे, तो वो इसलिए वहां से वापस नहीं आ सकते, इसलिए था वहां पर। और घर अक्षरातीत निवास, हम निवास कहाँ करते हैं, हमारा घर कहाँ है? अक्षरातीत, अक्षरातीत छर से तीत अक्षर भया, छर से अक्षर से परे जो है अक्षरातीत है वो हमारा घर है। तो हम व्यक्ति कहीं भी जाए, विदेश जाए, परदेश जाए, कहीं भी जाए, 1 साल 10 साल 20 साल जितने साल रहे, लेकिन जब अपना सब कुछ लौट के आएगा कहाँ? अपने घर। मान लो कि हमारी नौकरी लग गई कहीं अमेरिका में, हम गए 10 15 20 साल का, हम वहाँ से अब रिटायर हो गए, अब कहाँ आएंगे? जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हम रहते थे भाई, वहाँ तो हम कुछ काम करने गए थे, वहाँ रहने के लिए नहीं गए थे। ऐसे ही हम वहाँ परम धाम से यहाँ दुनिया देखने आएंगे, घूम फिर के लौट के हम जाएंगे कहाँ? अपने घर। पर हमारा घर क्या है? जहाँ अक्षरातीत निवास करते हैं वहाँ हम निवास करते हैं। तो अक्षरातीत कहाँ निवास करते हैं? रंग महल में। तो हम कहाँ रहेंगे? रंग महल। और अक्षरातीत घूमते कहाँ पर है? पूरे 25 पक्षों में, क्यों? हमारा अपना घर है भाई, रहते हम रंग महल में, घूमने के लिए सुखपाल में बैठ करके मन मर्जी कहाँ चले जाओ, क्यों? हमारे घर में स्विमिंग पूल में, जब यमुना जी में नहा लो, जब ताड़वन में जाकर झूला झूल लो, जब चाहे भूल भूलों में तुम खेल लो, जब मर्जी खेल लो, कि वो हमारे घर है, हम वहाँ जाकर के अपना यहाँ से रिटायर हो जाएंगे, तब वहाँ जाकर के जरूर करेंगे। तो वो हमारा घर, अच्छा दिखता हमारा अपना घर है, निजानंद है संप्रदाय हवा है, हमारा जो संप्रदाय का नाम है। कोई हमें पूछे कि भाई तुम कौन से संप्रदाय से आए हो, कौन से संप्रदाय वाले हो, तुम हिंदू तिलक लगाते हो, सिद्धुरमाल लगाते हो, और प्रार्थना प्यारे की जय करते हो, तुम्हारा संप्रदाय क्या है? तो हम क्या कहेंगे? निजानंद है संप्रदाय। हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? निजानंद, ठीक है। निज आनंद, निज आनंद अपने स्वयं का, आत्मा का आनंद, जो परमात्मा का आनंद हमारे आत्मा में मिलता है, वो आनंद जिस राह पर मिलता है, जिसको मानने से मिलता है, वो है निजानंद संप्रदाय।
जो तुमने प्रश्न किए उन सभी प्रश्नों का ये उत्तर प्रकाश यानी हमने खोल करके विस्तार पूर्वक तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है, इसको आप मान लीजिए। जो महाशुक्र में उसको लिखा है वहां संप्रदाय चिदानंद निजानंद प्रकाश था, हमारा जो संप्रदाय है वहां चिदानंद लिखा हुआ निजानंद ही प्रकाश, निजानंद स्वामी यानी जो हमारे सद्गुरु महाराज है उनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, वही हमारे इस संप्रदाय को शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए ये हमारा संप्रदाय क्या है, निजानंद, निज आनंद, हमारा जो निज आनंद कौन सा है, हमारे जो हम कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टि है और ब्रह्म सृष्टि का जो आनंद है सुख है वो क्या है, जो परम धाम का सुख है वो हमारा निज मतलब स्वयं का सुख, तो हमारा जो स्वयं का मूल सुख कौन सा है, जो परम धाम का सुख है वो हमारा निज है, और वो जो आनंद हमें मिलता है और जिस राह पे चल के मिलता है उस राह का नाम है निजानंद संप्रदाय। संप्रदाय के लिए व्याख्या सम्यक सम प्र और दाय तीन अर्थ है, सम सम्यक प्र प्रकृष्ट दीयते सम्यक प्रकृष्ट ने दीयते यस्मिन् इति संप्रदायः, जिस राह पर निज अपनी आत्मा का आनंद अच्छी प्रकार से आपको दिया जाता है उसको कहेंगे हम निजानंद संप्रदाय। आपको कोई लौकिक स्वर्ग का वैकुंठ का सुख नहीं दिया जा रहा, योग माया का सुख नहीं दिया जा रहा, यहाँ सुख दिया जा रहा है उससे परे का, इसलिए हमारा निज आत्मा का सुख दिया जा रहा है, यह लौकिक सांसारिक सुख नहीं है, हम स्वर्ग का सुख नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा ये निजानंद संप्रदाय है। धन श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रकट कर संप्रदाय, संप्रदाय को परम धाम में तो थी इसको यहाँ किसने प्रकट किया, धन श्री देवचंद्र जी उन्होंने इस संप्रदाय को यहाँ पर प्रकट किया, हमारे संप्रदाय को चलाने वाले शुरुआत करने वाले कौन है, हमारे सद्गुरु महाराज धन श्री देवचंद्र जी है। तीन थे हम यह लगी है उनसे हमने यह लकी है, लिखने का मतलब जैसे कार्य में नहीं लिखने, लकी का मतलब उन्होंने आचरण करके हमको बताया कि इस राह पर चलोगे तो तुम ऐसे सुख पाओगे, तो हम भी उसी राह पर चल रहे हैं, उन्हीं से हमने ग्रहण किया है। हम द्वार पावे अब देह, अब हम इनकी राह पर चल करके द्वार पाएंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे। यो तो या भांत चर्चा बहुत भय लेता में जान, अब लाला जी वहां कह रहे हैं पला जी बैठे भी रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार वहां पर ऐसा नहीं कि श्री जी ने बोला उन्होंने चुप हो गए होंगे, उन्होंने भी कई सारे प्रश्न किए होंगे, तो इस प्रश्न उत्तर बहुत सारा हुआ, लेकिन सार रूप में हमारे मूलभूत सिद्धांत इसमें लिख लिए हैं। तो हुआ भय लेना में जाना साथ दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण, बोले सभी शास्त्रों की साक्षियां दे करके श्री जी ने उन आचार्यों को सामने रखा, अब क्या करे तहां पे किसा के बरस में भय निशाना धर के, अब कह रहे कि जिस समय विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकट होने का जो अवसर था, तो कब अवसर होंगे, विक्रमस्य गति सप्त दस अष्टम यदा उदायम सचिदानंदो यक्षरा परंपरा, विक्रम संवत के जब 1735 वर्ष होगा तब तदा अयम सच्चिदानंद, तब यह सच्चिदानंद स्वरूप जो होगा वो यहाँ पर प्रकट होगा, कैसे भारतीय चंद्रायाम स बुद्ध आविर्भविष्यति, स बुद्ध कल की रूपेण, वो बुद्ध कैसे होंगे कल की रूप में होंगे, उसमें कहा है पहे वो बादोरे बांधी कमर अश्व उजले भय सवार, होशी बड़ा मेला बरस एक साथ बहुत सब तैयार, पहले लिखा दिया था कि एक बरस ऐसा आएगा जहाँ बहुत बड़ा मेला होगा, और सुंदर साथ कब से तैयारी कर रहे हैं, और वो तैयारी कब से कर रहे हैं सूरत से इकट्ठा होना 500 की जमा सूरत, तब साथ बहुत सब तैयार, उस बोले वो समय सिर्फ पता लग गया भाई तुम जागने करते करते इतना समय यहाँ बिताओगे तब तुम्हें वहां पे पहुंचते पहुंचते ये समय आ जाएगा, इसलिए तुम्हें वहां पहुंचना है साथ बहुत सब तैयार, और इस दिन का धूम्रकेतु को भी उसी दिन जिस समय वो सब आचार्य पराजित हुए हार स्वीकार किए उसी दिन उसी रात को चमकना था,
उसने उसी दिन करना था, तो ना जोग आरंभ कर दे राखी नमनाथ जाए बसे बना और भी कई सिद्ध 84 सो भी यह दिन के कारण कई लोगों ने योगानंद योगाभ्यास कर करके अपने देह को जीवित रखा और जंगल में चले गए और ये सिद्ध किया कि हमने हम कभी दूसरा जन्म हुआ उन्हें स्वर्ग नरक की मुक्ति को नहीं माना, मगर हमें तो 28वें कलयुग में 12 जन्म के चरणों में हमें वहां पर स्थान देना ये मांगा था। तो फिर या दिन के कारण जब विषयाभिनंद बुद्ध निष्कलन स्वरूप इस संसार में प्रकट होंगे उस समय आप हमें भी 28वें कलयुग में मनुष्य तन के रूप में रखना। उन्होंने तपस्या की थी ये वाला दिन जो हम कहां पे है हम अभी मनुष्य तन में हो सकते हैं कि कभी योगाभ्यास करते करते हम ही होंगे, कभी गंगा किनारे बहुत ही जगह में हम बैठे होंगे। इसको कहें ना गंगा तीरे हिमगिरी शिला बद पद्मासनस्य ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विदिरा योग निद्रांगदस्य। कभी हम भी ऐसे होंगे हमारा जीव जन्म जब मानो मरु और देवापी का जीव की तपस्या कर सकता उनको मिल सकता है तो क्या हमें यहाँ बैठे बिना तपस्या नहीं किया? हम भी उसमें गंगा किनारे गए होंगे, योगाभ्यास किया होगा, योग निद्रा में चले गए होंगे, किमतय भावे हमारा, हम भी क्या करें क्या ना करें, क्या मांगे क्या ना मांगे, तभी हमें समझ में आया होगा तो कुछ मत मांग इतना मांग कि क्या करें। या दिन के कारण तू भगवान तू जहाँ भी जैसा भी रहना हो हमें कुछ मस्वर में भी मिल जा वैकुंठ भी मिल जा चाहे जितना दुख देना दे देना खाश कलयुग में, लेकिन जहाँ प्राणनाथ चेहरे की जय हो वहाँ जहाँ उनके चरण कमल पड़े हो वहाँ पे तू सामान्य परिवार से जन्म दे रहना मैं सुखी रोटी खा लूंगा कोई दिक्कत मेरे को नहीं है। लेकिन ये तो ये जोगारंभ कर दे रखी वो कोरो ने नहीं रखी वे दुनिया ने नहीं रखी थी हमने रखी थी और हमने हम ही जाके वो जय सिद्ध 84 जंगल में गए थे हम ही लोग गए थे जिन्होंने ये प्राणनाथ जी को पाया है और इसी दिन के कारण पाया है। फिर क्या होगा 14 लोग पीछे आ गए बेला जोगवाए हमें पाना चाहिए 14 लोग के देवी देवता स्वर्ग में बैठे हुए वो भी 14 आ गया यही समय कि मैं भी वृद्ध की दशा सुनूं चाहते हैं। अनिश्चित कष्ट करे कर देवता रात दिन कष्ट करे मुझे किसी भी तरह से मनुष्य का तो है ना आवे अवसर फिर भी उनको मनुष्य तन मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए सौभाग्य है कि ये सब कुछ मेहनत ये निश्चित है जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मिलता है। यदि हमके प्राणनाथ जी के चरण कमल मिले हैं उनकी चरण धूल मिली है ज्ञान मिला है तो निश्चित है हमने कई हजारों वर्ष तक तपस्या की हमारे जीव ने तपस्या की है चाहे हम स्त्री के रूप में पुरुष के रूप में लड़के के रूप में लड़की के रूप में चाहे गरीब है अमीर है कैसे भी है लेकिन हमने मेहनत की है बिना परिश्रम किए परमात्मा एक अणु के बराबर भी कर्म नहीं होता है इसलिए वो क्यों न्यायकारी है और हमने इतनी बड़ी तपस्या की थी हमें ब्राह्मण के चरण कमल मिले हैं इसलिए ये हमारा विशेष है और इसलिए हम यहाँ आए हैं। तब अगर किसी दिन के कारण हम जीवित थे और ये सुनने के लिए सुनाने के लिए इसको दिन में ध्यान करने के मौके यहाँ पर तब ये तब का हो गया विक्रम संवत 1735 में और नियम था कि उस समय जब जिस दिन सारे आचार्य मिलके वहां कहेंगे कि हाँ आप जो है शास्त्र में जो लिखा है उन्होंने शास्त्र खोल के देखा हरिवंश पुराण को खोल के देखा भागवत को खोल के देखा जो साक्षी थी सबको देखा बोले ये आज का इसी समय इसी यही समय देखा तो क्या कहे भाई मेला भय इंसान ढूंढने के तो वहां बोले एक पूछ वाला तारा चमकेगा ऐसा नहीं चमकता रहेगा बोले एक ही बात चमकेगा पूरी सृष्टि में वो सिर्फ एक ही बार चमकेगा और खाई भाई एक मास की इन समय जगत को भय अचेत वहां उस समय जो वर्ष होगा हमारा जो साल है वर्ष है 12 महीने है। अभी आपने कभी अपने जीवन में देखा होगा कभी भी 10 महीने का या 11 महीने का कोई वर्ष नहीं आया 365 दिन 12 महीने ही आया महीने ही रहेंगे 365 दिन को
किसे मैनेज करोगे हमें नहीं पता, लेकिन वो वक्त तो ऐसा ही जाएगा। अब क्या कह रहे हैं वो, ये समय जगत भयो अचेत, जो कि मंजिल आ जाती है, सबको पता लग गया, आंखों से देख लिया, आरती उतार ली, चरण कमल उनको स्पर्श कर लिया, उनके चरण धूलि को सिर पे रखा वहां के आचार्यों ने, उनके नाम पे ब्रह्म समुद्र बनाया, उनके नाम से बुद्धि सागर को समर्थ चलाया, सब कुछ कर दिया और सबको जयकार लगाए, लेकिन क्या बोले, फिर भी अपने मंडली को छोड़ करके किसी ने आकर के यही कहा कि मैं अपनी मंडली छोड़ के तुम्हारी मंडली में शामिल हो जाता हूँ, मैं प्रार्थना ले जाता हूँ, जैसे अपने चिंतामणि थे, उन्होंने ये प्रवाह नहीं कि मेरे इतने हजार शिष्य क्या कर देंगे, क्या नाम हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं देखा, पर जो होगा देखा जाएगा करके चल पड़े। लेकिन उस हरिद्वार के कुंभ के मेले में से एक भी बंदा नहीं आया, वो अपने उसमें माया में मतलब से पूरे जगत पूरा अचेत ही रहा, बस एक तारा चमका, सबको बता दिया और सबने मान लिया। फिर उन आचार्यों ने, हो सकता है कि अपने घर में जाकर के अपने आश्रम में जाकर के नहीं बताया होगा, क्यों नहीं बताया होगा, वो हार गए होंगे, किसी नहीं बताया होगा, परमात्मा है अठाई कलयुग में आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन आदि गए प्रचार भी हो गया। हाँ, उस समय कोई न्यूज पत्रिका होती, मीडिया होता, इंटरनेट व्हाट्सएप फेसबुक होता, वीडियो कॉलिंग होती, तो शायद एक सेकंड में इधर से उधर हो गया होता, ठीक है। लेकिन ये राजी ने हम तक खींचने के लिए, हमको और जगाने के लिए यहाँ तक खींच के रखा है। ताको सबे पढ़ते हैं पर भूले खटक, सब पढ़ते देखते जाते हैं सुनते सुनाते हैं, लेकिन सब तमाम खटक भेजा जो है वो सब भूले हुए हैं। जीती खोज से संसार की, कारज कारण विस्तार। अब ये कह रहे हैं कि जीती खोज से संसार की, समाज में जो अग्रगणी जो ये महात्मा लोग थे, श्री जी ने शास्त्रार्थ में उन सबको हरा दिया, जीत गए, उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और कह रहे कारण से कारण विस्तार। कारण क्या था, उन्होंने अपने आप का विस्तार करना था, अपने आप को इन भविष्यवाणियों को मिला करके ये उनकी भविष्यवाणी सच करनी थी, इसलिए किया। तहा तमाशा देख के फेर के किया विचार, तमाशा मतलब वो चार महीने में जो प्रश्नोत्तर होता रहा, वाद विवाद शास्त्रार्थ होता रहा, किसी ने अच्छा कहा किसी ने बुरा कहा, जो भी कहा सब कुछ देख के सुन के सुना करके प्रचार करके जयकार लगा करके, जो जैसा भी वहाँ का माहौल रहा होगा वो हो करके फिर किया विचार। अब वो वापस क्या विचार कर रहे हैं, दो विचार, पहला विचार था कि हम औरंगजेब को देंगे, तो दो लोग वहाँ पहुँचा दिया, फिर पता लगा भाई अभी नहीं, अभी उसका समय नहीं है, तब इसका तब यहाँ पर ये सफल हुए, यहाँ पर अपने कार्य करने में सफल हुए। अब विचार कर बोले अब तो यहाँ तो हमारे जो जितनी भविष्यवाणी थी सफल हो गई, अभी तो ये वेद पक्ष की हिंदू धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणी तो सफल हो गई, अब एक पक्ष और बाकी है, पुराण पक्ष बाकी है, तो बोले फिर दिया विचार दा, फिर वहां से अब श्री जी वहां से चल के आ रहे हैं। दाऊद पांडे की हवेली में सास को छोड़े जब, अब चल करके निकल गए वहां पर, और कहाँ चले गए, दिल्ली में, दिल्ली में गए, तो दाऊद पांडे की हवेली में कोई जिस व्यक्ति को हवेली में रख करके, जो महिला सुंदर सार बुजुर्ग सुंदर सार को सुरक्षित रख करके वो आए थे, तो अब जा करके ये सारे जा करके वहां मिल गए, और जब गए होंगे तो सब लोगों ने सबको सुनाया होगा कि अब चार महीने हो, पांच महीने हो गए दिल्ली से आठ महीने शाहजहांपुर में रहे और चार महीने वहां रहे, और फिर भविष्य में होगा ऐसा नहीं कोई यहाँ से दो किलोमीटर दिल्ली 30 किलोमीटर छोड़ता तो एक भी चलेगा, आज गाँव में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर लगा होगा, तो ऐसे गए। हरिद्वार से हो के आए के मिले तब, हरिद्वार से होते अब कहाँ चले गए, वापस दिल्ली प्रस्थान किया कि अब क्या है,
हरिद्वार जीत लिया, वो जब दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली हमारे घर ही नहीं है, ठीक है। इस विचार के वो दिल्ली वहां गए। इन नसर में खिदमत में रखा था रास, अब श्री जी पूरे महिला मंडल को और वृद्ध जो सुनर साथ थे वो किनके विश्वास में छोड़ के आए थे, गरीबदास। तो कहा कि कोई भी कुछ भी समस्या आए, कल सब्जी जो भी लाना है, कोई कुछ भी हो जाए, तुम इनकी व्यवस्था करना, ये रहा पैसा, ये इनको सब कुछ है, क्योंकि उस समय चल रहा है ऐसा नहीं कि पहले चल रहा है, उनके पास घोड़ी गाड़े बैलगाड़ी कुछ ना कुछ बर्तन सामान कपड़े रखते वो सब कुछ रहा होगा, खाने पीने का सामान भी जो होगा, कितने गेहूं दे दिया, कितने चावल दिया, कितने दाल दिया, पकाने के बर्तन हल्दी नमक कुछ सब कुछ पूरी अपना सब कुछ लेके दवा दारू लेके जा रहे थे, तो सब कुछ वो संभालते थे, गरीब दादी को बोल दे महान सेवा करते थे। खाना सामा किताब दीवान का तो श्री जी उनको क्या बोलते थे, खाना सामा, वैसे थे तो भंडारी जी के रूप में थे, उनको उर्दू शब्द में जो देखभाल करता उसको कहते थे, तो उनको इसी प्यार से उनको नाम गरीब दास का खान सामा के नाम से कहते थे। कया करना मखास अबे यह लाल दास को हुआ था मुकामा, लाल दास को एक कमा था ना भाई, तुम केशव दास जी के साथ चल करके उनको पैगाम देकर के आओ, तो ये वाला पैगाम अभी कहेंगे। इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, क्योंकि लालदास जी अब अपना जी जान देकर के प्राण पत्री में देकर के श्री को अब जो कहोगे सोचेंगे भी नहीं, क्या था ये भी नहीं सोचेंगे, जैसे वहां कीकर नदी में जैसे चढ़ाओगे पता नहीं वो बूंद उसमें पानी में टपकी होगी नहीं टपकी होगी, उसे पहले कूद गए चरणाम कितनी पवित्र होगी हमें नहीं पता, लेकिन उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो कुछ नहीं कर सकते, वहां का जो नदी का पानी था वो तो जब साक्षात ब्रह्म नहीं कूद रहे हैं तो क्या होता है, साक्षात ब्रह्म नहीं कूद रहे हैं उसमें तो सब कुछ ऐसा होना ही था, तो उन्होंने ऐसा उनका विश्वास रखे सबसे आगे, जैसे अपने सिखों के जो गुरु में जो आगे कौन अपनी जान देगा, तो पंच प्यारे एकत्रित हुए थे, तो पंच प्यारे में जो हमारे में जो बारह मधु तैयार होंगे सबसे पहला नाम आता है लालदास जी, तो रखता था कदम सबसे आगे कदम एकदम तैयार जी हजू एक पांव पे खड़े होते, बोले एक पांव रखते तो एक पांव ऊपर रखते थे, क्या कि श्री जी जिस दिशा में आदेश करें उस दिशा में रखते, दोनों पांव रखेंगे तो हमें एक पांव को तो उठाएंगे लगेगी भाई उठाओ फिर रखो, फिर उठाया हुआ श्री जी कहा कि आपको पश्चिम में जाना तुरंत पश्चिम होगी, उठाने की तो एक सेकंड आधा सेकंड लगता वो भी देरी करने आ रहा, तो इतनी उनको विश्वास था लालदास जी को, इसलिए उनको ये जगने का कार्यभार मिला, उनको सौभाग्य मिला, और श्री जी के साक्षात छाया से भी अधिक छाया, तो छाया में साथ छोड़ देते थे लेकिन लालदास जी छाया में भी साथ न छोड़ने वाले, इसलिए उनको रखते थे। तो आज ये हमारा कार्यक्रम हमने ले लेके साथ आप उसे वापस ये नहीं बताया वापस जैसे निकले या ये वाले आए थे इस तरफ तो ये सस्ता वाले बाइपास से गए, अब उधर से रुकी वाले बाइपास से निकल गए, ये भी तो वर्णन नहीं होगा इसलिए चले गए, जब श्री जी कह दिया भाई हम जब गए होंगे उसी से गए होंगे ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ से गए, तो अब ये दिल्ली पहुँच गए, तो दिल्ली का प्रसंग हम कल करेंगे, ये 5:30 हो गए समय हमारे लिए, सुबह जो रहेंगे। एह लाल दास को हुआ था मुकामा, इसी वास्ते आगे को रखा था कदम, रखा था कदम, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।